بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ يَا رَحِيمُ يَا رَحْمَنُ يَا عَادِلُ يَا غَفَّارُ يَا حَافِظُ يَا سَتَّارُ يا واحد يا غفار يا حافظ يا ستار يا واحد يا غفار يا مالك يا رزاق تو خالق هر خلاق يا مالك يا رزاق تو خالق هر خلاق هر راز تجھے معلوم ہر راز تجھے معلوم یا حیو یا قیوم 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 بے مثل ہے تو لاریب تو پاک ہے تو بے بے مثل ہے تو لاریب تو پاک ہے تو بے تو زیست کا ہے عنوان تو ساقر ہر خودوان تو زیست کا ہے عنوان تو ساقر ہر خودوان تیری ذات ہے عز و جل تو ہر مشکل کا حل تیری ذات ہے عز و جل تو ہر مشکل کا حل ہر سمت ہے تیری دھوم ہر سمت ہے تیری دھوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم اس دور میں ہر انسان بے پہرا ہے اور بے جان اس دور میں ہر انسان بے پہرا ہے اور بے جان ہے دیدہ و دل بے نور منزل سے ابھی ہے دور ہے دیدہ و دل بے نور منزل سے ابھی ہے دور یا منزل انس ہو جا کر مجھ پہ اب احسان یا منزل انس ہو جا کر مجھ پہ اب احسان میرا جاگ اٹھے مقصود میرا جاگ اٹھے مقصود یا حیو یا قیوم 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 سبحان اللہ سبحان یا غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق کا صبر دو میں گدگر ہوں تمہارا گیارہویں شریف کی نیاز
ग्यारहवीं शरीफ का जिक्र। गौसे आज़म अब्दुल क़ादर जिलानी। बहुत सारे लोग इस महीने को, हर महीने को जो है नज़र व न्याज करते हैं, उसका एहतराम करते हैं। ये बात किस बात से मंसूब है? आखिर हम ये नज़र व न्याज क्यों करते हैं? बहुत सारे लोग कुछ छोटे पैमाने पे अपने घर के अंदर जो है छोटी सी बच्चों के साथ तकरीब कर देते हैं, कुछ लोग बड़े पैमाने पे लोगों को नज़र व न्याज कराते हैं। वैसे भी अगर मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करूं कि वो जब घर में कोई मेहमान आता था और कोई परेशान हो जाए कि मेरे घर में तो इतनी सी चीज़ है तो मैं कैसे, मैंने तो सिर्फ एक वाकया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलवाया लेकिन उन्होंने अपने साथ अपने तमाम असहाबा को उनके घर उस दावत में ले गई, तो वो पर्सन परेशान हो गया, वो सहाबा परेशान हो गए, तो उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने तो जो एहतमाम है वो आपके लिए किया, तो उन्होंने कहा मैं सबके साथ आऊँगा। तो जब बहुत सारे लोग हो जाएँ और आपके घर में कुछ थोड़ा हो तो मेरा रब आपके लिए बेइंतहा रहमतें और नेमतें नाजिल कर देता है। और वो सब लोग जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप परेशान ना हो, और उसमें दूध में भी बरकत हो गई, खाने में भी बरकत हो गई। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? अल्लाह पाक ने एक माँ को जब माँ बनाया तो उस बच्चे की रिस्क को पहले से एहतमाम किया। मैं थोड़ी बातों से मंसूब करते हुए चलूँगी कि जब हम अल्लाह के लिए कुछ चीज़ बांटना शुरू करते हैं, अल्लाह के वास्ते बांटना शुरू करते हैं, अल्लाह के नाम पे नजर व न्याज करते हैं, तो खुदा अल्लाह पाक उसमें खुद ही बरकत डाल देता है। और अल्लाह पाक ने हर उस रिस्क को जो उसके नाम से मंसूब किया जाता है, जब हम जब बकरा ज़बा करते हैं या कोई भी ऐसा जान जिसपे अल्लाह अकबर कह देते हैं तो वो अल्लाह के नाम से मंसूब हो जाती है। उसके बाद हम अपने माँ बाप के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इनके जो है अल्लाह पाक तू रहमत कर, और जो भी हमारे घर में जिसका इंतकाल होता है या जिसके लिए हम खैर की दुआ मांगते हैं उसके बाद हम कहते हैं अल्लाह तू हमारे लिए आसानियां पैदा कर। ऐसा ही है? ऐसा तो नहीं है कि हम कहते हैं कि ये अल्लाह से हट के कोई दुआ है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जो है मेरा रब की वजह से है, हम उसके बाद जो दुआ करते हैं तो अल्लाह से खैर मांगते हैं। बात करूंगी गौसे आज़म अब्दुल क़ादिर जिलानी। वो हर महीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की न्याज करते थे, उनके नाम की न्याज करते थे, क्योंकि उनका एक मदरसा था, बच्चों को तालीम थी, तो वो हर महीने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की न्याज देते थे। उसमें खैर हुई, वैसे ही रिस्क बांटने से तो वैसे ही बनता है। और वैसे भी हम लोग बचपन में देखते थे कि हमारी वालदा जब खाना बनाती थी तो चाहे उस वक्त इतनी गुर्बत थी लेकिन अड़ोस पड़ोस में थोड़ा खाना भिजवा देती थी, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो देचकियाँ वो बड़े बड़े पतीले भर के ना बने हों। वो हमेशा उसी गुर्बत में भी बड़े बड़े पतीले भरते थे क्योंकि उसमें खैर थी, उसमें बांटने का एक सिलसिला था, खैर करने का सिलसिला था। गौसे आज़म अब्दुल क़ादिर जिलानी, मैं इस यकीन से कहती हूँ कि आप अल्लाह के बाद जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से, गौसे आज़म के नाम से आप आगे बांटें तो ये कभी हो ही नहीं सकता कि आपके रिस्क में कभी कमी हो। इस बात के यकीन से जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से उन्होंने अल्लाह के तवक्कल से उन्होंने देना शुरू की तो ये मंसूब हो गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से रिस्क से। तो अब्दुल क़ादिर जिलानी गौसे आज़म के नाम से हर महीने लोग बड़े बड़े देगे उतारते हैं, नजर व न्याज करते हैं, अकीदत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और जिन्होंने उनका पल्ला पकड़ा है, जो उनकी मुरीदी में आए हैं, उनके घर से हमेशा लोग खैर ले के ही गए हैं, रिस्क खा के ही गए हैं। मेरी बात में कोई इसमें आगे पीछे मैंने कर दिया तो अल्लाह पाक मुझे माफ़ करे, क्योंकि बहुत सारे लोग उनके मुरीद जो उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, उनसे अकीदत करते हैं, तो अगर कुछ लफ्ज़ आगे पीछे हो जाए तो मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि हम भी अपनी मोहब्बत में बुज़ुर्गों की अकीदत में आगे बह जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि कुछ गलत तो नहीं कह दिया। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जब आता है तो अकीदत व मोहब्बत गौसे आज़म अब्दुल क़ादिर जिलानी हमारी दुआओं में और अकीदत
हकीकत और मोहब्बतों में है। तो मैं कहूँगी खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा ना करे। इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं वजिया नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पेश करेंगे। मैं फ़कीर अजम तेरे गुन और ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन जा। तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, सिदरातुल मुंतहा तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, सुभान अल्लाह, सुभाना वजिया हमारे सर दरमियान मौजूद थी और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ रही थी। हमारे दरमियान बड़ी प्यारी मेरी बहन गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी के मौजू पर गुफ्तगू करेंगी, बयां करेंगी सायमा शेख। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सायमा जी? ठीक हैं, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, हम आपके साथ इस बयां को, जिक्र को बयान करेंगे। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, मेरी बड़ी प्यारी प्यारी बहनें यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी में, और आज हम जिक्र कर रहे हैं गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी। और मेरी प्यारी बहन बड़ी ज़बरदस्त मुकर्रर हैं, बहुत प्यारे अंदाज में बयां करती हैं, और आज इनको स्पेशली हमने बुलाया है। और ये मुकर्रर जो हैं वो सायमा शेख हैं, और जिक्र करेंगे गौसे आज़म की सीरत पर बयां करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, ठीक हैं, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व कमालिही व अला आलिही व बारिक वसल्लम। तमाम तर तारीफ़ें उस पाक परवरदिगार के लिए, उस पाक इलाही के लिए जो हमारा रब है, जो रहीम भी है, जो करीम भी है। तमाम अताएँ उसकी हैं, तमाम तारीफ़ें उसकी हैं,
और फिर दुरूद सलाम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला वसल्लम पर, उनकी आल पर, उनके असहाब पर। अल्हम्दुलिल्लाह आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर हुआ, अल्लाह की हमद सना बयान की, और आज का दिन एक ऐसी हस्ती की नस्बत और ताल्लुक से बहुत जाना जाता है, पहचाना जाता है। उनके बारे में बात करने से पहले मैं हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस आप लोगों के सामने सुनाना चाहूँगी कि सरकार अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक का मफहूम है कि कुछ लोग क़यामत के दिन ऐसे होंगे जो ना नबी होंगे ना शहीद होंगे, मगर अल्लाह ताला उनके लिए इतनी इज्जतों का सामान फरमाएगा, उन्हें इतनी इज्जतों से नवाजेगा, उनके लिए नूरानी मिंबर लगाएगा। किसी ने क्या खूब कहा है कि नूर आँखों में चेहरे पे उजाले होंगे, नूर आँखों में चेहरे पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे। आज हम जिस वली अल्लाह का जिक्र करने जा रहे हैं उनके बारे में बात करना, उनकी शख्सियत के बारे में हम अल्फाज को सांचों में नहीं डाल सकते, बल्कि हम जो अल्फाज इस्तेमाल करेंगे उन अल्फाजों को रिफत नसीब होगी। आज जिसका तस्करा करने जा रहे हैं उनको दुनिया महबूब सुभानी कुतुब रब्बानी पीराने पीर हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी के नाम से पुकारती है। आपका मकाम, आपका मर्तबा, क्या ही बात है कि आप वो हैं जिनको खुद सरकार आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दावत दी कि तुम दीन की तबलीग को आम करो। आज हम उनकी सीरत मुबारक के बारे में बात करेंगे। आगाज में मैं बात करूंगी उनकी पैदाइश के हवाले से कि जब आपकी विलादत का वक्त करीब था तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके वालिद के ख्वाब में तशरीफ़ लाए और फरमाते हैं कि ए अबू साले, आज तुम्हारे घर वो बच्चा पैदा हो रहा है जिस तरह मैं तमाम अंबिया में सबसे ऊंचा मकाम रखता हूँ, और आज तुम्हारे घर जिस बच्चे की पैदाइश मुतवक्के है वो औलिया अल्लाह में सबसे ऊंचा मकाम रखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कि आपकी अभी पैदाइश नहीं हुई है, आपका शान और मर्तबा जाहिर होने लगा। आपकी पैदाइश रमज़ानुल मुबारक के मुबारक महीने में हुई और आपकी वालदा माजदा फरमाती हैं आपके तकवे और परहेजगारी का ये आलम था कि आपने पूरे रमज़ान रोज़े रखे। एक मर्तबा उल्मा, जिस तरह हमारे आजकल भी ये मसला हो जाता है कि चांद नज़र आता है, कुछ कहते हैं नहीं आता, एक मर्तबा सरकार गौसे आज़म के बचपन में भी ये मामला हुआ सभी, तो लोगों में इख्तलाफ़ हो गया कि चांद आज नज़र आया है या नज़र नहीं आया, रमज़ान है या नहीं। तो कुछ लोग साहिब मार्फत लोगों के पास गए तो उन्होंने कहा जाओ अब्दुल कादिर का दरवाज़ा खटखटाओ। जब दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो वालदा माजदा फरमाती हैं कि आज रमज़ान का रोज़ा रखा है अब्दुल कादिर ने, यानी बचपन ही से आपकी शान जाहिर हो रही थी। तो ये शान है मेरे गौस पाक की कि अभी आप इस दुनिया में तशरीफ़ लाएँ और रोज़े की हालत में हैं, और कुछ उम्र थोड़ी बढ़ती है तो मदरसे की तरफ जाते हैं, कुरान पाक पढ़ने जाते हैं, तो कारी साहब कहते हैं कि जब मैं उन्हें कुरान पाक पढ़ाता हूँ तो इनको पहले से सबक याद होता है, यानी 18 सिपारे उन्होंने शिकमे मादर में हिफ्स कर लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये आपकी सीरत का मकाम है कि आपने 18 सिपारे अपनी माँ के पेट में थे जब ही हिफ्स कर लिए थे, और कुरान से आपको इतनी मोहब्बत थी कि एक मतलब 15 साल उन्होंने इशा की नमाज से फजर तक एक कुरान पाक की तिलावत फरमाई है। सुभान अल्लाह। एक मरतबा फरमाते हैं कि मैं छत पर जा रहा था, जिस हुजरे में रहते थे वो उस छत पर जा रहे थे, तो अभी वो पहले स्टेप पे ही चढ़े थे तो शैतान ने उन पर गलबा कर दिया और कहा कि आप रोजाना तो कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो थक नहीं गए, आज रहने दे। तो गौस पाक फरमाते हैं कि उसी वक्त मैं समझ गया कि शैतान आज सरकशी पर है। तो गौस पाक फरमाते हैं कि उस रात मैंने उस सीढ़ी पर एक पांव से खड़े होकर पूरे कुरान पाक की तिलावत की है। तो ये सीरत है गौस पाक की, इंशाल्लाह हम मजीद इस पर रोशनी डालेंगे। बेशक।
हम लोग मेरे साथ माशाल्लाह मुकर्ररा साइमा शेख मौजूद हैं और गा बगा हम इनसे राब्ता करेंगे और गौसे आज़म की सीरत पर बयां होगा। हमारे दरमियान मौजूद हैं इकरा और इकरा हाफिज़ कुरान हैं माशाल्लाह और ख़ूबसूरत नात रसूल मकबूल सल्लम हमें सुना चुकी हैं। मेरे पूरे रमज़ान ट्रांसमिशन में मेरे साथ ज्वाइन किया, अभी सुनाएंगी मनकबत इकरा हाफिज़ इकरा। अल्लाह बहुत शुक्रिया, मेरी तरफ़ से भी तमाम आलम इस्लाम को ग्यारहवीं शरीफ बहुत बहुत मुबारक हो। अपनी जानिब से गौस पाक की बारगाह में मन कपत का नजराना पेश करूँगी। मुस्तफ़ा का घराना सलामत रहे, मुस्तफ़ा का घराना सलामत रहे, कादरी आस्ताना सलामत रहे, कादरी आस्ताना सलामत रहे, पल रहे जहाँ से ये दोनों जहाँ, पल रहे आस्ताना सुभान सलामत रहे, वो सखी आस्ताना सलामत रहे, और तुमसे मर सो बहेज़ दगी का निजाम, तुमसे मर सो हश्र तक ये फसाना सलामत रहे, हश्र तक ये फसाना सलामत रहे, और इतरते फातिमा पर उजागर निसार, इतरते सब निसार, सैयदा का घराना सलामत रहे, सैयदा का घराना सलामत रहे, कादरी आस्ताना सलामत रहे, कादरी आस्ताना सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे। सुभान अल्लाह, हाफिज़ इकरा माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़ी प्यारी आपने मनकबत सुनाई और आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है और दिल को एक अजीब सा सुरूर में मुब्तला कर देती है। और मेरे यहाँ पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर जहाँ पर भी ये बच्चियाँ अल्लाह का जिक्र करती हैं, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करती हैं, मनकबत सुनाती हैं, अल्लाह पाक इन पर हमेशा अपनी रहमतों की बारिश करे। यहाँ पर बड़ी प्यारी सी एक और मेरी प्यारी बहन वजिया रशीद, बहुत हसीन अंदाज, बहुत प्यारा, बहुत सारे कलाम, बहुत सारी नाते, मेरे मिलाद जो हुआ था उसमें आई थी और रमज़ान ट्रांसमिशन में, सारी बहनें मेरे साथ हमेशा जब जिक्र नबी होता है, जब रमज़ान ट्रांसमिशन होती है और इस तरह जो भी हम अपनी महफ़िलें का इनेकाद करते हैं अपने गुड मॉर्निंग विद सभी में, ये बहनें मोहब्बत में मेरे साथ होती हैं। तो हम चलते हैं, हम मनकबत सुनते हैं वजिया रशीद के पास। अस्सलाम वालेकुम अगेन एक बार फिर जी वजिया, सुनाया आप मनकबत। सुभान अल्लाह, फैलाई बड़ी देर से मेरे मीरा, हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से
करम सरकार डालो, नजर करम सरकार डालो, नजर करम सरकार अपने मंगलों पर एक बार हमने आस है लगाई बड़ी देर से मेरे मीरा हमने आस है लगाई बड़ी देर से मुश्किल जब भी सर पर आई मुश्किल जब भी सर पर आई तेरी रहमत आड़े आई आड़े आई जब मैंने तुम्हें पुकारा मीरा जब मैंने तुम्हें पुकारा जब मैंने तुम्हें पुकारा आड़े आया तेरा सहारा चलता आसी का गुजारा तेरे पैर से मेरा चलता आसी का गुजारा तेरे पैर से दिल की कली कुछ आज खिली है आ पाए कली कुछ आज खिली है आ पाएंगे खबर मिली है जरा धीरे धीरे आओ जरा धीरे धीरे आओ जरा धीरे धीरे आओ लिल्लाह करम फरमाओ मैंने महफिल है सजाई बड़ी देर से मेरे मीरा मैंने महफिल है सजाई बड़ी देर से कर दो करम का एक इशारा कश्ती को मिल जाए किनारा कर दो करम का एक इशारा कश्ती किनारा मोरी बिगड़ी बना दो मोरी बिगड़ी बना दो पीरा पंजतन के नाम मैंने बिपता है सुनाई बड़ी देर से मेरे मीरा मैंने बिपता है सुनाई बड़ी देर से डालो नजर करम सरकार डालो नजर करम सरकार डालो नजर करम सरकार अपने मंगतों पर एक बार हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से मेरे मीरा हमने आस है लगाई बड़ी देर से मेरे मीरा हमने महफिल है सजाई बड़ी देर से सुभान अल्लाह वजिया रशीद हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से बहुत खूबसूरत अंदाज मनकबत सुनाने का और अभी यहाँ पर एक नन्ना मुन्नी बच्ची यानी कि मोहब्बत देखें अल्लाह से रसूल से अंबिया औलिया कराम से देखें बच्चों के अंदर भी वही मोहब्बत है और ये जब बढ़ जाती है बहुत तो हमें बहुत आगे ले जाती है उनकी मोहब्बत में हम महव हो जाते हैं यहाँ नन्नी सी मीर अब मौजूद हैं वो भी हमें मनकबत सुनाएंगे जी मीरब अस्सलाम अलैकुम कैसे हो आप चलें जी सुनाएं पेश कर जमाने में अगर देखी तो शाने कादरी देखी जमाने में अगर देखी तो शाने कादरी देखी नबूवत के गुलिस्तां में विलायत की कली देखी नबूवत के गुलिस्तां में विलायत की कली देखी हकीकत खुल गई जब से हकीकत
खुल गई जब से जमाने में अगर देखी तो बुगदा दिल की कली देखी जमाने में अगर देखी तो बुगदा दिल की कली देखी तजल्ली ही तजल्ली रोशनी ही रोशनी देखी दया रे गौसे क्या देखा मदीने की गली देखी दया रे गौसे क्या देखा मदीने की गली देखी या गौस अल मदद या गौस अल मदद जमाने में अगर देखी तो शाने कादरी देखी नबूवत के गुलिस्तां में विलायत की कली देखी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह मीर अब बहुत प्यारी और एक वक्त होगा मीर अब को जो लोग अपने घर में बुलाए करेंगे हमें सुनाए अपनी आवाज़ और ये हमारी नन्नी मुन्नी कलियाँ हैं हमें इन पर जो है इन पर मोहब्बत अल्लाह पाक के मैं कहूँगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियाँ थी उन पर बहुत जिनके घर में बेटियाँ होती हैं उन पर वह ख़ास ही रहमतें नाजिल होती हैं। यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एक बार फिर खुश आमदेद कहती हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी में और साइमा शेख माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मुकर्रर हमारे दरमियान मौजूद हैं और हम जिक्र करें या गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बारे में और मैं एक बार फिर मौका दूंगी बल्कि एक बार फिर इल्तिजा करूंगी कि हम गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर जिक्र करें जी साइमा शेख शुक्रिया सभी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बिकद्री हुस्नही व जमालिही व कमालिही व अला आलिही व बारिक वसल्लम। हुजूर सय्यदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के ज़िक्र की महफिल सजाए में है और बड़ी ग्यारहवीं के इस मुबारक मौके पर हम सब लोग यहाँ पर आज जमा हैं और आपकी सीरत बयान कर रहे हैं। इससे हमें कुछ सीखने का भी मौका मिलता है कि आपकी तालीमात क्या हैं। अब मैं हमने विलादत का ज़िक्र किया, अब मैं उनकी उस बात का उस उम्र की बात करना चाहूँगी कि जब वो दीनी तालीम हासिल करने के लिए अपनी वालदा माजदा से इजाज़त तलब करते हैं कि मैं दीनी तालीम हासिल करने बगदाद जाना चाहता हूँ, तो उनकी वालदा माजदा ने उन्हें खुशी से इजाज़त दी और जाते हुए लेकिन एक नसीहत की कि आप कभी झूठ नहीं बोलिएगा। सुभान अल्लाह क्या नाज़रीन, ये वो नसीहत है कि जब हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाजिर होता है और कहता है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मुझे कोई एक नसीहत कीजिए, मुझे ज़्यादा बातें मत बताइएगा, सिर्फ एक नसीहत कर दें ताकि मैं उस पर अमल करूँ और बुराई से मुझे छुटकारा मिल जाए, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम कभी झूठ नहीं बोलना। कुछ अरसे के बाद वो शख्स दोबारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होता है और कहता है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपने मुझे जो नसीहत की थी उस एक नसीहत की वजह से मेरी तमाम बुराइयां ख़त्म हो गईं। तो वही नसीहत गौस पाक की वालदा बगदाद जाते हुए गौस पाक को कहती हैं कि बेटा कभी झूठ नहीं बोलना। अब सुने आगे के रास्ते में एक डाकुओं का घरों गौस पाक को रोक लेता है और तमाम ही मुसाफिर का ज़्यादा राह लेकर चले जाते हैं। जब गौस पाक के पास पहुंचते हैं तो कहता है ए नौजवान तुम्हारे पास क्या है, तो उस वक्त वो माँ की नसीहत पे अमल करते हुए कहते हैं कि ज़्यादा सफ़र के लिए उनकी माँ ने 40 दिनार उनकी कमीज़ के अंदर सिए हुए थे कि रास्ते में आपको सफ़र के काम आएंगे। देखो सच, तो सच की देखें आप बात और यहाँ देखें हमारे लिए, हम पेरेंट्स के लिए और आने वाली नस्लों के लिए भी ये तालीमात है कि झूठ किसी भी मकाम पर नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने अपनी माँ की नसीहत की और आजकल की वालदाओं को भी ये तालीमात देनी चाहिए कि अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखाएं। तो वो गौस पाक कहते हैं कि मेरी वालदा ने ज़्यादा राह के लिए 40 दिनार मेरी कमीज़ के अंदर सिए हुए हैं। अब वो डाकू बहुत हैरान होता है, बहुत मशहूर वाक़या है, वो डाकू कहता है कि इस वक्त सबको अपनी जानो माल और मता की फ़िक्र है कि किसी तरह कुछ बच जाए, लेकिन ऐ नौजवान तुम ये बता रहे हो और जब देखा जाता है तो वाकई 40 दिनार उनकी कमीज़ के अंदर से निकलते हैं,
तो वो डाकुओं का जो है वो बहुत हैरान होता है, फिर डाकुओं के सरदार के पास जाता है और डाकुओं का सरदार आके हॉर्स पार्क से जब पूछते हैं कि तुमने ये दिनार क्यों नहीं छुपाए जबकि ये तो किसी की नज़र में भी नहीं थे, तो हॉर्स पार्क फरमाते हैं कि मेरी वालदा ने नसीहत की थी। तो सभी देखिए, ये पहला 60 डाकुओं का काफिला था जो गौस पाक की वजह से तौबा करी और ईमान लेकर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौस पाक की मतलब सीरत तैयबा को हम देखें तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपने सारी ज़िंदगी कभी झूठ नहीं बोला, लोगों के साथ हुस्न सलूक से पेश आए, वो तमाम रंग जो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में थे वो तमाम के तमाम रंग गौस पाक की शख्सियत में नज़र आते हैं। ये कह रही थी कि जब जाहिर सी बात है वो कैसे झूठ बोल सकते हैं कि जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा का पूरा अपने ऊपर उनकी हर बात को उस पर अमल किया और उनके जिक्र को बयान किया और उन्हीं की मोहब्बत में वो न्याज देते थे। न्याज देते, बिल्कुल। ये 11वीं शरीफ हम जो मनाते हैं उन्होंने इस मखलूक को खाना खिलाने का रिवाज किया कि हर महीने की 11 तारीख को वो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिलाद मनाते थे अपने शागिर्दों और रुफका के साथ, एहतमाम करते थे खाने का। और इस तरह देखें अल्लाह वालों का जो है अल्लाह से मोहब्बत करने वाला अंदाज है, अल्लाह किस तरह चर्चा करता है उनका। अच्छा, एक और भी है साइमा शेख, माशाल्लाह गुफ्तगू इतनी हसीन चल रही है। तो ये एक अगर हम जिंदगी आम हम अपनी इस जिंदगी की बात करें तो अपने तमाम मालो मता में जो एक हफ्स एक होती ना, हमें हफ्स यार ये चीज़ मेरे पास आ जाए और ये मैं इस पर जब्त कर लूँ, लेकिन अपनी शेयरिंग है कि यार मुझे ये लोगों को भी बांटना है, ये बांटने की खूबसूरती है ना। ये बेसिकली एक मैसेज है हमें कि हर महीने आप अगर सब बच्चों को या अपने फैमिली के लोगों को रिश्तेदारों को एक दुआया कलाम में शामिल करके और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बयां करके हम एक आगे मैसेज पहुंचा रहे हैं कि ज़िंदगी की शख्सियत। अच्छा, एक मिलाद में हम क्या जिक्र करते हैं? जिक्र क्या करते हैं कि झूठ नहीं बोलना, यही बात है, अपने बड़ों का एहतराम करना। ये तो देखें उस महफिल का तकद्दस तो देखें, उस महफिल के एहतमाम का बयान तो देखें कि हमारी सोच क्या है, इस महफिल को इनकात करने का क्या जरिया है, क्या सोच है, हम आगे क्या बयान करना चाह रहे हैं। तो उसी में जिक्र उन लोगों का भी आता है। कभी एक वक्त होगा अगर हमने कुछ अच्छा काम किया होगा तो लोग हमें भी उस जिक्र में याद करेंगे कि ये वो मुरीद है, ये वो पर्सन है जो अल्लाह पाक, ये वो बंदा है, ये वो बंदी है जो बड़े खलूस से दिल से अपने रिस्क को लोगों में तकसीम करते थे, बांटते थे। बेसिकली अगर हम उसकी उसमें जाए ना, लोग कुछ लोग इसको कुछ और अंदाज में समझते हैं लेकिन देखा जाए हम आने वाली नस्लों को एक पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं कि आप जब चाहने वाले अपने आप को कहते हैं गौस पाक के चाहने वाले मानने वाले, तो उनकी तालीमात पर उनकी सीरत तैयबा पर भी तो अमल करें ना। ये आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आप देखें कि महाना 11वीं को उन्होंने 12वीं में किया कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाया, तो आज उनके चाहने वाले गौस पाक को मानने वाले हर 11 को उनके याद करते हैं और ता कयामत तक उनका चर्चा रहेगा। बेशक, मुझे अपनी वालदा का याद है कि पहले जो जाहिर सी बात है जिसके पास जो भी, जब मैं ये कहूँगी कि स्पीकर नहीं होता था तो हजरत बिलाल जो है वो अजान देते थे वो मिंबर पे उस पे छत पे। तो मुझे याद है हमारे घर में जब अजान उसकी आवाज़ आती थी कि 11वीं शरीफ में हिस्सा मिलाएं, तो मेरी अम्मी कहती थी चांद की 11वीं है। मैं कहती हूँ अल्लाह पाक मेरी वालदा को बख्शे कि वो इतनी उससे उस वक्त मेरे हाथ में 1.25 रुपए रखती थी और मैं दौड़ दौड़ के कि मेरा नाम अनाउंस किया जाएगा जी उनकी बेटी ने दिए, तो एक खुशी। तो ये वो मैसेज है जो आगे ट्रांसफ़र होता है। आज मेरी बहनें हैं वो कहती हैं कि अल्लाह पाक ने जो हमें नवाजा है जो हम बांटते हैं उससे हमें, और वाकई में बांटने से और ये बेसिकली मैसेज है और वो इस तरीके से आप समझ लें या उस तरीके से समझ लें, लेकिन बेसिकली मैसेज ये है कि नाम मेरे रब का जिसने पूरी कायनात बनाई और ये सारे मैसेंजर हैं जो मेरे रब का पैगाम यहाँ तक लेकर आए हैं। और वो पैगाम क्या है? लोगों पर रहम करना, क्योंकि वो गफूर रहीम है, वो शहरक के करीब है, लेकिन उसने अपने खूबसूरत हमारे लिए पैगंबर अंबिया अकराम औलिया अकराम वली तमाम लोगों को हमारे लिए एक मैसेज बनाकर भेजा है। अब हम लोगों ने इस पैगाम को कितना पॉजिटिव अपने बच्चों में अपनी औलादों में अपनी नस्लों में कन्वर्ट करना है, ये अब हम पर है कि हम इस पैगाम को
महफलों के ज़रिए करें, मजालिस के थ्रू करें, या अपने घर में एक कमरे में बैठकर भी हम अपने छोटे बच्चे बच्चियों को, क्योंकि वो जो हमें देखेंगे कि रिस्क को बांटने का क्या तरीका है, दूसरों का अदब करने का क्या तरीका है, सच बोलने का क्या, ये छोटी छोटी हमारी आम जिंदगी की रूटीन है, सिर्फ उसका मैसेज है, मैं और नहीं समझती, मैं कहती हूँ सिर्फ आम जिंदगी का, बिल्कुल ये आम जिंदगी की रूटीन है कि हम जो चीज़ देंगे वो वापस पलट के, और अगर ये नहीं मैसेज होता ना तो आज हम लोग अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे मैसेज को नेगेटिव समझ के अपनी मालूमता पे जो इधर छोड़ के जाना उस पर कब्जा करके बैठे हुए, और वो नहीं चाहते कि मेरी कोई चीज कोई भी ले शेयरिंग उनको नहीं करनी ना, बर्दाश्त नहीं करनी। और जबकि देखा जाए तो हम लोग खाली हाथ इस दुनिया में आए, खाली हाथ ही हमें वापस जाना है, दुनिया की तमाम चीज़ें यहाँ पर रह जाएंगी, हम लोगों के साथ जाएंगे, हमारे अमाल जाएंगे, हमारे असवा हुस्ना जाएंगे, और कुछ भी नहीं जाएगा। तो हम सीरत गौस पाक पर अमल करते हुए हमें चाहिए कि हम अगर उनकी मतलब सीरत की कुछ झलकियाँ देखें कि आपने कभी नमाज कज़ा नहीं किया, अभी कुरान पाक के मैंने बारे में आपको बताया, कुरान पाक की तिलावत कितनी किया करते थे, और इसी तरह कभी झूठ नहीं बोला गरीबों यतीमों उनकी पूरी हमारे लिए मशले रहा है और उनकी जिंदगी आगे बिल्कुल यानी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को जो प्रेजेंट किया, अपनी ज़िंदगी को बयां किया, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी का सानवे हयात है। और मैं अब जिक्र करूँगी अभी मनकबत का, और वजिया रशीद एक बार फिर दो अशार पेश करेंगी मनकबत के। वजिया रशीद अपनी हटा दो जालियों पे निगाहें जमी है जालियों पे निगाहें जमी है। गौसे आज़म हो गौसुल वरा हो नूर हो नूर सल्ली अला हो, क्या बयां आपका मर्तबा हो, दस्तगीर और मुश्किल कुशा हो, आज दीदार अपना करा दो आज दीदार अपना करा दो, जालियों पे निगाहें जमी है जालियों पे निगाहें जमी है। सुन रहे हैं वो फरियाद मेरी, खाक होगी न बर्बाद मेरी, मैं कहीं भी मरूं शाह जीला, रूह पहुँचेगी बगदाद मेरी, मुझको परवाज़ के पर लगा दो मुझको परवाज़ के पर लगा दो, जालियों पर निगाहें जमी है जालियों पर निगाहें जमी है। वजद में आएगा सा जब पुकारे गिया वो सुदाजद बे आएगा सारा दम, जब पुकारे गिया वो सुदाजम, और वो निकल आएंगे जालियों से और कदमों में गिर जाएंगे हम, पे कहेंगे कि बिगड़ी बना दो, वसुल आज़म
कहेंगे कि बिगड़ी बना दो, झाड़ियों पर निगाहें जमी है जमी है, झाड़ियों पर निगाहें जमी है। एक मुजरिम खताकार हूँ मैं, जुल्मतों में गिरफ्तार हूँ मैं, एक मुजरिम खताकार हूँ मैं, जुल्मतों में गिरफ्तार हूँ मैं, और मेरे चारों तरफ है अंधेरा, रोशनी का तलबगार हूँ मैं, एक दिया ही समझ के जला दो, गौसुलाजम एक दिया ही समझ के जला दो, जालियों पर निगाहें जमी है जमी है, जालियों पर निगाहें जमी है। मन कबत जिने की हम पढ़ रहे हैं, आज महफिल में वो आ रहे हैं, मन कबत जिने की हम पढ़ रहे हैं, आज महफिल में वो आ रहे हैं। अदीब अपने सर को झुका लो, अदीब अपने सर को झुका लो, अदीब अपने सर को झुका लो, जालियों पर निगाहें जमी है जमी है, जालियों पर निगाहें जमी है जमी है, जालियों पर निगाहें जमी है जमी है, जालियों पर निगाहें जमी है। सुभान अल्लाह, सुभान इकरा, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे, और इस मनकबत के सदक़े में अल्लाह पाक हम सब के गुनाह बख्शे। वाकई में हम दुनिया में इतने महव हो जाते हैं कि वलियों की और नबियों के ज़िक्र जब आते हैं, और उन्होंने किन के ज़िक्र किया, उन्होंने अपने रब का ज़िक्र किया है, उन्होंने तमाम शर से बचने का ज़िक्र किया, उन्होंने नबी की मोहब्बत का ज़िक्र किया है, नबी ने अपनी ज़िंदगी हमारे लिए ढाल दी, उन्होंने आम जिंदगी बयां की हमारे नबी ने, कि बड़ों के साथ एहतराम, बच्चों के साथ प्यार, अल्लाह का जिक्र का बयां, ये सब आम जिंदगी का, रहम करना, लोगों को दरगुजर करना, माफ़ करना, ये है आम जिंदगी जो एक आम लोग अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। क्या हस्ती है उन लोगों की, लेकिन उन्होंने हमारे लिए एक ही बात की, उम्मती उम्मती उम्मती। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। एक बार फिर खुश आमदेद कहती हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी में, और ज़िक्र गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। हमारी औकात नहीं है कि हम उन हस्ती उस शान की बारे में कुछ ज़िक्र कर सकें, लेकिन हमारी हम थोड़ी सी दिल में मोहब्बत रखते हैं, और अल्लाह पाक उसमें खैर करे, और हम बयां कर रहे हैं। और मेरी बड़ी प्यारी बहन मुकर्रा यहाँ पर साइमा शेख मौजूद हैं, जाते जाते हम चाहेंगे कुछ और ऐसी बात जो हमें शायद ना मालूम हो, और आप जब बयां करें तो हमें एक बार फिर याद हो जाए, अच्छी बातें एक दूसरे को बतानी चाहिए। अच्छा, सभी अभी हमने जिक्र किया आपकी दीनी तालीम का, कि दीनी तालीम के लिए वो गए और आपकी वालदा ने जो नसीहत की। अब आपकी तालीम के बाद 26 साल की उम्र में आपने तमाम तालीम हासिल कर ली दीनी तालीम, लेकिन आप बयान नहीं करते थे, आपको थोड़ी सी झिझक होती थी, आप बयान नहीं करते थे, तो ख्वाब में आका अलैहिस्सलाम आपकी
आए ख्वाब में और फरमाते हैं कि ए गौस आप बयान क्यों नहीं करते। तो गौस पाक फरमाते हैं क्योंकि मैं तो अजमी हूँ, तो मैं अरबी मतलब मुझे बयान करने में थोड़ी झिझक होती है, तो कुर्बान जाऊँ आका अलैहि सलातो सलाम की ज़ात अक़दस पे कि आपने अपना लुआब दुहन 7 मरतबा गौस पाक के लबों में डाला। सुभान अल्लाह, कह दीजिए सुभान अल्लाह। तो अब आपकी आंख खुल जाती है लेकिन फिर भी आपको कुछ घबराहट सी रहती है, आप फिर भी थोड़ा सा घबराते हैं। वो सोते हैं और दूसरे दिन जब उनको ख्वाब में हजरत अली करमुल्ला वजह ख्वाब में आते हैं और 6 मरतबा अपना लुहाब दहन हुजूर गौस पाक के जुबान अकदस से लगाते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपको फसाहत मिल जाती है। अब यहाँ पे ये देखा जाएगा कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 7 मरतबा लुहाब दहन लगाया और लुहाब दहन भी वो लुहाब दहन के खारे कुएं में डाल दिया जाता है, खाने में डाल दिया जाता है, वो कसीर तादाद में वो लुहाब दहन। तो अब पूछा गया कि हजरत अली ने इतना 6 मरतबा क्यों किया, तो बताया गया कि अदब सुभान अल्लाह। तो आपको जब लुहाब दहन पीछे होना जरूरी, एक कदम पीछे होना अदब का मकाम है। जब हुजूर नबी पाक का लुहाब दहन मिलेगा, मौला अली मुश्किल कुशा का लुहाब दहन मिलेगा, तो फिर गौस पाक की जैसी ही शख्सियत होगी कि उनकी जुबान से निकलने वाला हर बात अल्लाह के हुक्म से पूरी हो जाती है अल्लाह। और आजकल ये एक अगर मिसाल दी जाए तो आजकल अगर फैमिली में सब बड़े छोटे होते हैं ना, अगर छोटा कुछ ज्यादा अच्छा तो वो बड़ा फख्र महसूस करता है कि मैं सबसे ज्यादा बेटर हूँ मेरे बड़े बन, लेकिन अगर मैं मेरे ख्याल में अगर छोटा कुछ अच्छा भी कर रहा है लेकिन उससे बेहतर है वो अपने जो बड़ों की रिस्पेक्ट है उसी तरह रखे। ये सारे एक पैगाम है, मैसेज है हमारे लिए, हम समझें तो समझ सकते हैं। और मेरी प्यारी बहनें यहाँ पर मौजूद हैं और मैं हाफिजा इकरा से और माशाल्लाह यहाँ पर मौजूद है वजिया रशीद से, हम लोग मिल के खूबसूरत मनकबत जो है पढ़ते हैं। जी इकरा। सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदारा, सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदारा, मेरा खालिका सबर दो, मेरा खालिका सबर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा। सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदारा, सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदारा, झोली को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया, झोली को सब की भर दो वरना कहेगी दुनिया, ऐसे सखी का मंगता शाहे जिला का मंगता, गौसुल वरा का मंगता, फिरता है मारा मारा। सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदारा, सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदारा, सबका कोई ना कोई दुनिया में आसरा है, सबका कोई ना कोई दुनिया में आसरा गे, पर मेरा बजुज तुम्हारे, मेरा बजुज तुम्हारे कोई नहीं सहारा। सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदा, एक बार मेरी जान का गौस
से आजम। इस शेर में एक बार नजरे करम खुदारा सबका कोई ना कोई दुनिया में आसरा है सबका कोई ना कोई दुनिया में आसरा है मेरा बजुज तुम्हारे मेरा बजुज तुम्हारे कोई नहीं सहारा सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा मौला अली का सदका गंजी शकर का सदका मौला अली का सदका गंजी शकर का सदका मेरी लाज रख लो या सबकी लाज रख लो या मैं फकीर हूँ तुम्हारा सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा गौसे आजम हो गौसे वरा हो नूर हो नूर सल्ले गौसुलाजम गौसुलवरा नूर हो नूर सल्ले और क्या बयां मर्तबा आपका हो दस्तगीर और मुश्किल कुशा हो आज दीदार अपना करा दो हौसला जम आज दीदार अपना करा दो जानियों पर निगाहें जमी है जमी है जानियों पर निगाहें जालियों पर निगाहें जमी गए सुन रहे गए वो फरियाद मेरी खाक होगी न बर्बाद मेरी सुन रहे गए वो फरियाद मेरी खाक होगी बर्बाद मेरी और मैं कहीं भी मरूं शाह जीना रूह पहुंचेगी बगदाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मुझको परवाज़ के बरगा दो हौसला-ए-आज़म मुझको परवाज़ के पर लगा दो जालियों पर निगाहें जमी है जमी है जालियों पर निगाहें जमी है अरवली आपके ज़ेरिया है हर अता मुस्तफा की अदा है आपने दीन जिंदा सहारा दिया है मेरी कश्ती किनारे लगा दो से आजम मेरी कश्ती किनारे लगा दो जालियों पर निगाहें जमी है जमी है जालियों पर निगाहें जमी मजद में आएगा सारा वाल
जब पुकारे गया वो सुना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वजद में आएगा सारा आलम जब पुकारे गया वो सुलाजम पे कहेंगे कि बिगड़ी बना दो जारियों पर निगाहें जमी है जारियों पर निगाहें जमी है एक मुजरिम खताकार हूँ मैं जुल्मतों रोशनी का तलबगार हूँ मैं एक दिया ही समझ के जला दो गौसुल आज़म एक दिया ही समझ के जला दो शाही जिला एक दिया ही समझ के जला दो जालियों पर निगाहें जमी है जालियों पर निगाहें जमी है हर बनी गाप का सिर पागे हर अदा मेरी कश्ती किनारे लगा दो शाही जिला मेरी कश्ती किनारे लगा दो जालियों पर निगाहें जमी है जालियों पर निगाहें जमी है जालियों पर اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم صلوا عليه دعا کی جانب چلتے ہیں اور تمام لوگوں کو جو اس وقت میرے ساتھ گڈ مارننگ وچ سبھی کی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں ان سب کو 11ویں شریف بہت بہت مبارک ہو اور اللہ پاک اپنے نبی کے صدقے میں اور تمام اولیاء اللہ کے ذکر کے صدقے میں ان کے سجدوں کے صدقے میں ان کی دعاؤں کے صدقے میں اور خاص طور پہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں کے صدقے میں ہم سب پر اپنا رحم و کرم کرے اور اس وقت ہم دعا کی جانب چلتے ہیں اور اس دعا پر اختتام کریں گے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ابھرتے سورج کی طرح اس وقت چلتے ہیں سائمہ شیخ کی جانب اور دعا کے ساتھ آپ بھی شامل ہوں اور ہم بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بقدر حسنہ و جمالہ و کمالہ و علی آلہ و بارک وسلم یا اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ الرحمن الرحیم یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ پاک آج تیری دی ہوئی توفیق سے تیرے و تیرے حبیب کا ذکر کیا گیا غوث پاک کا ذکر کیا گیا رب کریم اس سب کو اپنی بارگاہ رحمت میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما دے یا رب کریم یا رحمان و رحیم ہم تیری تمام تر دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تیرے احسانات کا شکر ادا کرتے ہیں رب کریم اور اپنے کیے گئے تمام گناہوں کا اعتراف کر کے تجھ سے تیری بارگاہ میں سچی توبہ قبول
پیش کرتے ہیں رب کریم اے توبہ قبول کرنے والے رب ہم سب کی توبہ کو قبول و مقبول فرما لے یا رب کریم یہاں پر جو ذکر خیر ہوا ہے رب کریم اس سب کو بارگاہ رحمت میں قبول کر کے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ کے ذریعے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو قبول و مقبول فرما لے یا رب کریم یا رحمان و رحیم تو حضور غوث پاک کے صدقے میں سب کی بگڑی بنا دے یا رب کریم ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر ہم سب کو عمل پیرا کر فرما دے یا رب کریم یا رحمان و رحیم حاضرین محفل میں اور ناظرین جو جو اس وقت اس دعا میں شریک ہیں رب کریم تو سب کی دلوں کی حاجتوں کو جانتا ہے رب کریم تو خبیر ہے تو علیم ہے رب کریم سب کی حاجتوں کو پورا فرما دے یا رب کریم ہم سب کو غوث پاک کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے والوں میں شامل کر دے یا رب کریم ہم سب کو پنج وقتہ نمازی بنا دے ہر مسلمان کو حاجی بنا دے یا رب کریم ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے والوں میں شامل فرما دے یا رب کریم ہمیں قرآن و سنت کی روشنی پہ عمل کرنے والوں میں شامل فرما دے یا رب کریم ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر ان کی شریعت پر ان کی طریقت پر چلنے والوں میں شامل فرما دے آمین رب کریم تمام مظلوموں کی مدد فرما دے رب کریم سب کی مدد فرما دے رب کریم سب سے راضی ہو جائے رب کریم یا رحمان و رحیم مینا سرج ٹی وی کے زیر اہتمام آج اس بڑی گیارہویں میں ہم سب موجود ہیں رب کریم دام میں در میں سخن میں جس نے جس طرح اس محفل کو سجانے میں تیرے حبیب کا ذکر کرنے میں غوث پاک کا ذکر کرنے میں رب کریم جس نے جس طرح شرکت کی جس طرح کام کیا رب کریم تو سب کے ناموں کاموں سے جانتا ہے سب کی بگڑی بنا دے رب کریم سب کے مقدروں کو سجا ڈالے رب کریم سب کے روزی روزگار میں برکتیں عطا فرما دے رب کریم میری ثنا خان بہنوں نے رب کریم سبھی نے یہ محفل سجائی ہے رب کریم ان پہ خاص اپنی رحمت برکت نعمت عطا فرما دینا یا رب کریم تو ہم سے راضی ہو جا اور ہم سب کو پنج وقتہ نمازی بنا دے اور ہم سب کو حج عمرے کی با ادب حاضری نصیب فرما آمین یا رب کریم جب دے میں واپسی ہو ہم سب کی زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بقدر حسنہ و جمالہ و کمالہ و علی آلہ و بارک وسلم صلی اللہ ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں گڈ مارننگ وتھ سبھی میں اور میں بہت زیادہ فوکس کرتی ہوں آپ کی ہیلتھ سے ریلیونٹ اور ایوری فرائیڈے جو ہے کوئی نہ کوئی ہم ایک ٹاپک لے کر آتے ہیں اور آج ٹاپک ہے وہ ہے پائلز اینڈ فشر جب آف کورس کچھ لوگوں کو کانسٹیپیشن بہت زیادہ ہوتی ہے قبض بہت زیادہ ہوتی ہے ریزن آف کورس آگے چل کے یہ بہت بڑی ڈیزیز بھی بن سکتی ہے لائک کینسر بھی ہو سکتا ہے اس کو اتنا ایزیسٹ نہ لیں کھان پین میں ہم لوگ کبھی کبھی ارریگولر حرکتیں کرتے ہیں اور ایسی چیزیں کھاتے رہتے ہیں جو ہمارے اسٹمک جو ہے وہ بیچارہ جو ہے نا اس پہ برڈن زیادہ پڑ جاتا ہے اور ہم لوگ اپنے کھانے پینے میں ایسیڈیٹی ٹائپ کے کھانے جن میں بہت زیادہ اسپائس ہوتا ہے اور فاسٹ فوڈ ہو گیا بہت زیادہ رائس کھا رہی ہے کچھ ایسی چیزیں جو ہم لوگ صحیح طرح چباتے بھی نہیں ہیں اور نگل جاتے ہیں وہ جا کے ہمارے اندر پرابلم کریٹ کرنا شروع جب کوئی چیزیں انفیکشن کے طور پہ اندر کریٹ ہوتی ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں جا کے کسی نہ کسی آرگن کو ہٹ کرتی ہیں لیکن اگر میں آف کورس جب بات کر رہی ہوں آپ کے پائلز کی یا فشر کی اس کی ریزنس کیا ہیں وجہ یعنی کہ کیا ہو سکتی ہے اور لاپرواہی سے یہ کون سی تکلیف میں ہم مبتلا ہو سکتے ہیں کیا ہماری اس کی وجہ سے ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے یہ بہت ہی سارے سوالات ہیں آف کورس جب ٹاپک کی بات کرتے ہیں اور فرائیڈے میں ہمارے ساتھ بہت ہی سینئر پرسن موجود ہوتے ہیں اگر میں حکمت کی بات کروں طب نبوی کی بات کروں پھر آف کورس ایک جدی پشتی آف کورس جو لوگ ہوتے ہیں جو حکمت کو لے کے چل رہے ہیں ان کے آباؤ اجداد ان کے والد ان کے دادا پر دادا پھر قدیمی نسخے جو ہوتے ہیں وہ فالو کرتے ہیں اور یہ جو قدیمی نسخے جو ہوتے ہیں وہ ہم اکثر اپنے گھر میں اپنے دادا نانی جب کچھ کہتے تھے شہد چاٹ لیں کالی مرچیں دکنی مرچیں اور جی یہ اجوائن یہ سب چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا یہ وہی لوگ بتا سکتے ہیں جن کے پاس قدیمی نسخے ہوتے ہیں اور وہ لوگ اس چیز کو فالو کرتے ہیں اور طب نبی میں ایک بڑا نام شارٹ فارم میں یہ کہوں گی طب نبی اور حکمت میں ایک بڑا نام ماشاء اللہ انہوں نے بہت ساری سندیں میں کہوں گی سرٹیفائیڈ ٹو انٹرنیشنل لیول
तो शॉर्ट फॉर्म में ये कहूँगी, ऑक्सफोर्ड कैलिफोर्निया और इंटरनेशनल लेवल पर उनके जो हैं वो मेडिसिन चाइनीज होम्योपैथ और तमाम हर्बल इन तमाम जो हैं सर्टिफिकेट्स उन्होंने लिए हुए। और मैं ये कहूँगी इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं एवरी फ्राइडे हैं डॉक्टर प्रोफेसर हकीम अस्करी साहब, और आज का टॉपिक जो है वो है पायल्स एंड फिशर। जी वेलकम करती हूँ डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह की रहमत है, करम है, खैर हो। जब आप आते हैं ना यकीन करें मुझे इत्मीनान हो जाता है कि लोगों को बेहतरीन नॉलेज मिलने वाली है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज का मौजू हमारा इंतहाई अहम तरीन मौजू है जिसे आप कभी नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा, क्योंकि फिशर और पाइल्स यस इसे तिब्बी जुबान में बवासीर बादी या खूनी बवासीर भी कहते हैं yes. और फिशर को नवासीर कहते हैं okay. यानी बवासीर और नवासीर, नवासीर मीन नासूर। तो ये दो चीज़ें जो है इंतहाई तकलीफ दे, अज़ियतनाक और नाकाबले बर्दाश्त होती हैं। महफिल में आदमी बैठने वो नहीं होता, काबिल नहीं रहता, इसकी इसलिए कि उसको मुसलसल तवज्जो जो है वो उस तकलीफ की तरफ होती है जो उसको मुसलसल बैठने में महसूस होती है। तो इस अज़ियत से बचने के लिए आज हम आपको वो राज, वो पुशीदा चीज़ें बताते हैं कि जिनके ज़रिए आप इस इन मसाइल से निजात हासिल कर सकते हैं, और अगर इसको मज़ीद पालेंगे, इस मर्ज़ को मज़ीद आप मामूली समझेंगे तो ये मर्ज़ आपको बिस्तर पे लिटा देगा, और ना सिर्फ जैसे कि बताया कि ये हैबतनाक सूरत इख्तियार करके आपको कैंसर में मुबतला कर सकता है। तो लिहाजा ये चीज़ें जो मैं अभी आपको इनके अलामात बताता हूँ, इसकी इलाज भी बताएंगे, और इससे इसके बारे में जो परहेज़ है वो उस पर भी आपको अवेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि ये मर्ज़ होता क्या है। बिल्कुल ठीक, ये मर्ज़ ऐसा है कि इसमें दो किस्म की, मैंने कहा कि बवासीर जो है वो दो किस्म की ज़्यादा मारूफ हैं। मसलन एक में वो बवासीर जो खूनी कहलाती है, जिसमें मकद में यानी अजाबत वाली जगह पर जो है वो मौके निकल आते हैं, मस्से निकलते हैं, और इसी तरीके से दूसरी एक बवासीर होती है जिसमें अंगूर के गुच्छे की तरह बारीक बारीक दाने होते हैं और वो मकद से बाहर आते हैं, यानी रेक्टम से उसका बाहर आ जाना ये भी बड़ा तकलीफ दे अमर होता है। और इसी तरह खुश्क बवासीर होती है, यानी उसमें जलन होती है, दर्द होता है, अजाबत करते हुए तकलीफ़ होती है, और कब्ज की सूरत जो है वो ज़्यादा शदीद हो जाती है। अमूमन जिन लोगों को कब्ज़ रहती है, या वो लोग जो मिर्च मसाले अचार चटनी गोश्त जंक फूड और इसी तरह चटपटी अशिया का शौक़ रखते हैं, गोश्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी फिशर या बवासीर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अपनी ग़िज़ा को नॉर्मल रखने से ही आप इन इमराज पर जो है वो कंट्रोल पा सकते हैं। अब फिशर क्या है? फिशर जो है वो अजाबत वाली जगह से थोड़ा सा हटकर एक जगह पीछे की तरफ साइडों पर, वहाँ पर एक दाना से निकल आता है, फिर वहाँ पर एक वो दाना जो है फूलना शुरू होता है और पस और खून जारी रहता है। जब आप बदपरहेजी करेंगे, जिस दिन आपने अंडा मछली गोश्त मिर्च मसाले अचार चटनी और ऐसी बदपरहेजी शुरू कर दी, और ख़ास तौर पर बड़ा गोश्त जो है ये आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह होगा, तो ये होता है कि उसमें फिर वो पस भरना शुरू हो जाती है, और फिर जब पस निकल जाती है तो आदमी को सुकून होता है। ये फिशर की एक जो है वो अलामत आती है आपके सामने। अब ऐसी जो इमराज हैं, इन इमराज को पर आप अपने कंट्रोल किस तरह पा सकते हैं? बुनियादी चीज़ है कि सबसे बड़ी चीज़ है ग़िज़ा, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप उन चीज़ों का इस्तेमाल बंद कर दीजिए जो मैं अभी बयान किया है। मसलन मुर्गी का गोश्त या बकरे का गोश्त,
इसी तरह गाय का गोश्त, अंडा, मछली, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल कम कर दीजिए। घिया, तोरी, शलजम, टींडे, कद्दू, लौकी ये ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसी तरह सुबह निहार आप इसबगोल की भूसी या तुख्मे बालांगो, तुख्मे रेहान जिसे कहेंगे जी जी, वो एक चम्मच दूध के साथ इस्तेमाल करें। इसबगोल की भूसी 1-2 चम्मच सुबह निहार और शाम को 2 टाइम इस्तेमाल कीजिए। जौ का दलिया, साबूदाना, खिचड़ी और दही का इस्तेमाल आप ज़्यादा रखें। और ये एहतियात कीजिए कि जिस जगह आप बैठते हैं, जहाँ आपकी सिटिंग है, क्या उस जगह पर रैक्सीन है या फॉर्म है, ये भी बवासीर को और फिशर को बढ़ाने में बुनियादी किरदार अदा करता है। अब वो बात बताते हैं जो किसी को नहीं मालूम होती, अमूमन तो वो लोग किस, उनकी सिटिंग किस पर होनी चाहिए? देखिए, अमूमन जो लोग अक्सरियत जो है वो जब ऑफिस में दफ्तर में जाते हैं तो वो या तो गाड़ी में बैठे होते हैं, तो गाड़ी की सीट भी ऐसी होती है कि जो रैक्सीन से बनी होती है, यानी कि प्लास्टिक वाली उस पे नहीं बैठे। जी, ये इसमें मर्ज में अजाफा करते हैं। जैसे मोटरसाइकिल पे मुसलसल लोग सफर करते हैं, गर्मी में मोटरसाइकिल की सीट जो है या गाड़ी की सीट इंतहाई गर्म होती है, तो इसके नीचे फॉर्म वगैरह रख के नहीं, फॉर्म तो, और तो फिर क्या क्या रखे? फॉर्म जो है वो गर्मियों में गर्म, सर्दियों में ठंडा होता है। अच्छा ठीक है, फिर क्या यूज करें? कॉटन का टॉवल रखें। अच्छा, या बैद की सीट रखें, बैंत की। हाँ जी, ओके। बैंत जो है वो बिल्कुल उसके नीचे से हवा वगैरह लगती रहती है, कॉटन, और जो है पसीना खुश्क हो जाता है। जब आपको पसीना मुसलसल आता रहेगा और वो जगह गर्म रहेगी तो पाइल्स में अजाफा हो जाएगा। अच्छा, इसका एक और चीज भी बताएं, ये भी बताएं जो लोग कपड़े जो पहनते हैं। अच्छा आपने बताया, मेरी नॉलेज में भी इजाफा हुआ। फिर कपड़ों में भी लाजमी बात है कि कपड़े भी आपके कॉटन के, जैसे जींस पहनते हैं लड़के, कॉटन के कपड़े होने चाहिए, लूज कपड़े रहने चाहिए। जीन्स भी अगर पहनते हैं तो जीन्स भी आपकी लूज होनी चाहिए, बिल्कुल टाइट नहीं होनी चाहिए। ऐसे कपड़े जिनमें आपका पसीना खुश्क हो जाए, अच्छा ठीक, ऐसे कपड़े पहने। और फिर ये कि अमूमन सर्दियां जब आती हैं तो भी ये बर्स बढ़ जाता है, क्योंकि लोग सर्दियों में अमूमन कपड़े ऐसे पहनते, गर्म गजाएं भी खाते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, ऊन का ट्राउजर वगैरह जिसमें, या ऐसी ट्राउजर जिसमें नायलॉन मिला हो, यस, तो ऐसे ट्राउजर जो है वो बहुत तकलीफ देह होते हैं, वो आपके मर्ज में अजाफा कर देते हैं। ओके, कोशिश करें कि कॉटन की शलवार, कुर्ता या आप ऐसे कपड़े पहने जो जिसमें हवा क्रॉस हो सके। ये चीजें हैं जो हम जो समझते हैं कि इन अमराज में। अच्छा, क्या हम कह सकते हैं कि गर्म चीजें हमारी पाइल जो हम लोग इंटेक करते हैं, मैं एक क्वेश्चन है और बहुत सारे लोग ऑफ कोर्स एक अवेयरनेस मिलती है कि जो चीजें हम गर्म, जिनकी हिद्दत है, हम ये कह सकते हैं अब जैसे फिश है, चिकन है, बड़ा गोश्त है, बकरे का गोश्त है, ये सारे मीट्स हैं जिनमें ओमेगा भी मौजूद है, जिनमें हम ये कहेंगे कि हमें ज्यादा प्रोटीन मिल रही है, तो ये सारी चीजें जब हम इनटेक करते हैं तो हमारा जो स्टूल पास करने की जगह है या कब्ज बढ़ाती है या फिशर या पाइल्स को बढ़ाती है, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, तमाम गर्म हिद्दत, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें चूंकि मिजाज में, तबीयत में गर्मी शदीद आ जाती है, आंतों में जो है इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है, ओके, और इसी की वजह से आंतों में जब मतरूब यानी वर्म हो जाता है, अच्छा, इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो आगे बढ़कर वो मकद में अजाबत वाली जगह पर, स्टूल वाली जगह पर जो है वो रैशेज पैदा करती है। और जैसे ही आपको ये सब महसूस हो कि वे स्टूल पास करते हुए आपको तकलीफ हो रही है, जलन हो रही है, तो अपनी गजा में फौरी तब्दीली ले, जूसेस, फाइबर, सब्जियां, जी हाँ, इनकी तरफ आ जाए। मतलब लौकी का आप सूप बनाए, लौकी का रायता बनाइए, लौकी का सालन बनाए, पतला शोरबे वाला सालन बनाए, कद्दू, घिया, तोरी, टिंडे ये इस्तेमाल शुरू कर दीजिए, तो इंशाल्लाह आप फौरी तौर पे उसको कंट्रोल कर लेंगे। अच्छा, एक और चीज जो है, अब मैं इलाज की तरफ आता हूँ। इलाज और आपकी कुछ होम रेमेडीज भी बड़ी मशहूर है, लोग बड़े पूछते हैं, आप बताइएगा कहवा क्या इस्तेमाल करें, खाने को किस, कौन सी होम रेमेडी जो घर में अगर चीजें हैं हम उनका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसमें जो है बुनियादी तौर पर जो है वो आपको इब्तदाई स्टेज पर कंट्रोल करना
बिल्कुल ठीक आसान हो जाता है, और जब ये बढ़ जाए मसला तो फिर आपका मसाइल स्थान खुल जाता है। बिल्कुल मसाइल मुख्तलिफ तकलीफ, रात का सोना, सुबह का बैठना, चलना फिरना, हर अमल जो है वो आपको आपकी उसकी तकलीफ की शिद्दत आपके चेहरे पे तासुरात पैदा करेगी, और वो चेहरा जो है वो उसमें भी आपकी कैफियत जो है वो नजर आना शुरू हो जाती है, झुरियां पड़ना शुरू हो जाती है, तकलीफ में आपका आदमी को पता नहीं होता कि उसका चेहरे की कैफियत क्या होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा अब आ जाए इसका इलाज। ओके मूली इस मौसम की बेहतरीन खिजा है। ओके मूली खुदावंद ताला का एक वो अतिया है जो आपके मेदे को साफ करता है, आंतों को साफ करता है, जिगर को के फेल को दुरुस्त करता है, जिगर की गर्मी को ख़त्म करता है, मेदे की जलन और निज़ाम हजम को बेहतर करता है, और इसी तरह आंतों के इन्फेक्शन को ख़त्म करता है, आंतों की सफाई करता है, आंतों से टॉक्सिन्स निकालता है। और मूली हमेशा नाजरीन पत्तों समेत इस्तेमाल करें, मूली को सलाद के तौर पे इस्तेमाल करें, पत्ते और मूली, इसी तरह मूली की भुजी बनाएं। और इसी तरह आपको एक और इसका इलाज बताता हूँ कि रात को मूली काट कर आप उसको ओस में रख दीजिए, ऊपर छन्ना रख लें। हाँ लाजमी कवर की नजर में ओस में रखें ताकि छलनी हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो उसे ढाँप दे, मगर उसको जब रात को रखेंगे ओस लगती है, ओस लगेगी, और अगर चांद की रोशनी भी उस पर पड़ जाती है तो वो सोने पर सुहागा उसका होता है, और यूं सुबह निहार उठते ही आप वो मूली खूब चबा कर खाइए। दूसरा मूली का जूस निकालें, जैसे गाजर का रस निकलता है ऐसे मूली को का जूस निकालें पत्तों के साथ, नहीं सिर्फ मूली, ओके ओके सिर्फ मूली, उसका जूस निकाल कर उसको सुबह निहार जो है एक मूली का जूस निकाल कर उसे पीजिए, ये भी आपके बवासीर को खुली बवासीर को खास तौर पर ये कंट्रोल करना शुरू कर देती है। पर अब आ जाइए मूली के पत्ते, मूली के पत्तों को उबालिए, वो उबाल के उसका पानी जो है वो सुबह शाम इस्तेमाल करें। ओके अब और भी इलाज बताता हूँ नाज़रीन, नोट करती चले जाइए, जब भी मेरा प्रोग्राम देखें तो ये चीजें नोट कर लीजिए, पेपर पेन लेके बैठे, और वैसे भी इसको रिपीट कर लीजिए यूट्यूब पे जो है वो आप जाइए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अच्छा प्रॉपर अनाउंसमेंट कर दूं ताकि लोग पेपर पे आपके जो डॉक्टर साहब जो हैं प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब जो हैं इस वक्त जबरदस्त किस्म की होम रेमेडीज बता रहे हैं, पेपर पेन लेके बैठे। अभी हम लोगों ने एक छोटी सी ब्रेक लेनी, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हम अभी वापस आएंगे और डॉक्टर प्रोफेसर हकीम अस्करी साहब मेरे साथ हो। खुशामदीद कहते हैं डॉक्टर प्रोफेसर हकीम अस्करी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, और हमारा आज का टॉपिक है वो है आपका स्टमक, पाइल्स, फिशर, स्टूल पास करने की जो जगह है वो बहुत तकलीफ दे होती है, जब आप स्टूल पास कर लेते हैं ओवर टू हम चलते हैं हकीम अस्करी साहब के पास, और वो दे रहे बहुत जबरदस्त होम रेमेडीज, पेपर पेन रेडी रखेंगे। यस वेलकम अगेन सर जी। अच्छा स्टूल पास होने में जो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है यस उसकी वजह जो है वो मकद में वर्म स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन ये पैदा हो जाता है, और उस वर्म की वजह से स्टूल पास करने वाली जगह जो है वो तंग हो जाती है, जिसकी वजह से पाइल्स के मरीजों को या इनको फिशर के मरीजों को ये खासी ये तकलीफ दे अमर होता है कि सुबह सुबह वो अजाबत पास करने में इंतहाई तकलीफ महसूस करते हैं। नाज़रीन सुबह उठते ही 3 से 4 गिलास पानी पीजिए, और इसबगोल सालिम इसबगोल साबुत इसबगोल ये लीजिए 1 चम्मच, ये आप सुबह निहार पानी के साथ नीम गर्म पानी के साथ पीजिए, इससे 1 से 2 दिन में, और इसी तरीके से ये अमल शाम को भी कीजिए, इससे जो है वो आपका स्टूल पास होने में तकलीफ का अमल ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, अंदर जो रैशेज हैं वो रैशेज ख़त्म होने शुरू होंगी और आपको तकलीफ में कमी वाकई होना शुरू हो जाएगी। एक नुस्खा नोट कर लीजिए जो कि आपको सीने की जलन से लेकर मकद की जलन तक, आंतों के इन्फेक्शन और हर किस्म की इस
तकलीफ को ख़त्म करने में ये भी इसका काफ़ी अमल दखल है। नोट कीजिए नाज़िर, केला 2 अदद इसे बारीक कर लीजिए और काट लीजिए और तकरीबन 250 ग्राम दही में ये अच्छी तरह मैश कर लीजिए और इसे सुबह और शाम 2 टाइम इसे इस्तेमाल कीजिए। केला केल 2 अदद केले और 250 ग्राम आपका दही होना चाहिए और ये सुबह दोपहर शाम 3 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं ज़्यादा तकलीफ हो तो। इससे क्या होगा, इससे आपकी सीने की जलन जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, अल्सर ख़त्म होगा, आंतों का इन्फेक्शन वो हील होगा और इसी तरह आपके मकद का इन्फेक्शन भी ख़त्म होगा और यूँ अजाबत करने में आपकी जो प्रॉब्लम है वो रफा होना शुरू हो जाएगी। और ये आप नोट कीजिए, कहवा है नीम के पत्ते 7 अदद, 7 अदद नीम के पत्ते, सुहांजना लीजिए ये तकरीबन 10 ग्राम सुहांजना के पत्ते 10 ग्राम लीजिए, पुदीना 21 पत्ते और इलायची 5 अदद छोटी इलायची अच्छी तरह उसको कूट कर उसमें शामिल कीजिए, 4 गिलास पानी डालिए, जब ये 2 गिलास पानी रह जाए तो सुबह और शाम 1-1 कप बन पीजिए इसके और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 3 वक्त में भी आप इसे इस्तेमाल कीजिए और खाने से पहले, नाश्ते से पहले और रात खाने से पहले इसे पीजिए। तो ये चीज़ें तो आपको जो मैंने बताई हैं एहतियाती तदाबीर है, लाल मिर्च जहर है, इंतहाई तकलीफ दे अमर है, आप लाल मिर्चों का इस्तेमाल, गर्म मसाले और ड्राई फ्रूट बिल्कुल बंद कर दीजिए और इसकी जगह अंजीर का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। अंजीर 4 से 5 अंजीर रात को पानी में भिगोएं, सुबह उठें उसको पानी के समेत अंजीर खाइए और ये अमल अगर शाम को भी करते हैं तो इन 2 टाइम में अंजीर जो खुद ही बवासीर है उसे कंट्रोल करना शुरू कर देगी और यूँ आपकी तकलीफ रफा होना शुरू हो जाएगी। ज़बरदस्त, ये अब जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ नाज़िन ये मुस्तकिल इस्तेमाल कीजिए, तकरीबन 40 दिन इस्तेमाल कीजिए और 40 दिन में ये जड़ से इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। क्या बात। बाकी हम जो आपको बता रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि जो लोग इंतहाई तकलीफ अमर दे अमर में चले जाते हैं, जैसे कि डॉक्टर रिकमेंड करता है कि जी आपकी आपको ऑपरेट की ज़रूरत है सर्जरी में, ये जो सर्जरी वक्ती तौर पर बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाती है लेकिन अगर आप बदपरहेजियाँ करेंगे तो फिर ये दोबारा आपका मर्ज लाहक हो जाएगा और यूँ फिर दोबारा से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें 2-2, 3-3 दफ़ा सर्जरी करवाई मगर उनका मर्ज जो है वो दोबारा उन्हें लाहक हो गया। हमारी कुछ प्रोडक्ट हैं, अद्वियात हैं जो इस इन इमराज को जड़ से ख़त्म कर देती है। मसलन ये कि मैंने अभी पहले जिक्र किया कि सीने की जलन से, गैसेस से, एसिडिटी इसकी इब्तदा है। ठीक है। आपकी बदपरहेजियाँ, लापरवाहियाँ, कोताहियाँ इसकी सजा है। सही। समझे ना? और ये सजा इंतहाई अज़ियतनाक होती है आदमी को। मैं बार बार कहता हूँ कि वो समझता है कि बस हमें जिंदगी और मौत की कश्मकश, बिल्कुल ऐसे ही ऐसे, क्योंकि ना सोने में नींद आती है उसको, बेचैनी, ना ही वो कंसंट्रेट कर सकता है, ना ही अपने कारोबार को देख सकता है प्रॉपर तरीके से और ना ही अपने बच्चों और बीवी और दोस्तों में बैठकर कुछ पुरसकून बात, रेस्टलेस हो गया ना, बिल्कुल बेचैन हो गया, रैश होता है, टेंशन होती है, परेशानी होती है, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और यूँ उसका जिंदगी का दिन और रात जो है बेचैनी, बेकरारी, परेशानी में मुबतला रहता है। और आप खुद कहते हैं कि मैदे में तकलीफ 101 बीमारियों की जड़, मैदा जो है उम्मुल इमराज है यानी इमराज की माँ, जहाँ से आपका खराबी शुरू होती है, बवासीर, आंतों के इन्फेक्शन, अल्सर, आंतों का अल्सर, मैदे का अल्सर, जिगर का, लिवर सोरेसिस और शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, यानी सारी बीमारियां जो मैं बता रहा हूँ ये बीमारियां तो मेन हैं, इसके अलावा बहुत सारी ऐसे इमराज हैं
जो इसकी मुसलसल अमल बीमार रहने से और लापरवाह रहने से और या बेहतरीन इलाज ना होने से ये मर्ज जो है वो आपको जिंदगी और मौत की दहलीज़ आपने मुसलसल कहा है। आपका मुसलसल मोबाइल जो है ना वो एक ही आवाज़ रहा ब्रूम 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 और मैं यहाँ पर जो प्रोग्राम चलता है ना मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर जो इस वक्त चल रहे हैं चैनल पर उन कॉन्टेक्ट पर जो है वो फोन करना शुरू कर देते हैं और फिर मैं नाजिम बाद में आपको इंशाल्लाह एक मैसेज आता है जॉय करेगा आपको कि मेरे अपने क्लिनिक के टाइमिंग्स वगैरह और फीस वगैरह तमाम चीज़ें जो है ना किन डेट्स पे मैं बैठता हूँ मैंने अपने चेंज कर दिए हैं दिन। मैं इतवार पीर मंगल और बुध हफ्ते में चार दिन जो है अपने क्लिनिक जो कि मेरा राशिद मिनास रोड ग्लैमर मॉल और इस नज़द लासानिया रेस्टोरेंट ये है ये समझो कि अलादीन पार्क और का रोड है जहाँ से आपको मिलीनियम मॉल का इस साइड से मिलीनियम मॉल है यहाँ अलादीन पार्क है तो इसका जो रोड है उसे राशिद मिनास रोड कहते हैं। इस रोड के दूसरे सामने जो है वो गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल का इलाका है। मैं गुलशन इकबाल ब्लॉक 10A में मरीज देखता हूँ। बराए करम मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर तशरीफ लाएँ। जो दूर दराज के मरीज़ हैं वो व्हाट्सएप पर अपनी तमाम रिपोर्ट्स भेजें अपनी मुकम्मल तफसीलात जो है वॉइस मैसेज के जरिए भेजें। टाइमिंग भी बता दीजिए। हाँ वॉइस मैसेज भेजें और अपना मुस्तकिल इलाज जो है हम ये दौरे जदीद जो है इस पे हमें बजाय अब मुख्तलिफ इलाकों में जाने के हम घर बैठे ही आपको दवा भेज सकते हैं आपका मुकम्मल डायग्नोस करते हैं मुकम्मल इलाज हो जाता है और पाकिस्तान से बाहर के लोग भी इससे मुस्तफीद होते हैं। बेशक बेशक। अच्छा आपकी टाइमिंग क्या है क्लिनिक में बैठने की? क्लिनिक की टाइमिंग जो है वो शाम 4 से रात 9 है सुबह 11 से 2 बजे है। अच्छा ये तो आपने होम रेमेडी जो यानी कि इब्तदाई अल्लाह ना करे किसी को फील हो रहा है एसिडिटी जैसे इन्होंने कहा इनिशियली इब्तदाई तौर पे हमें फील होता है जैसे हमारे वो खाने पीने वाला डिकार हमें वही फील हो रहा है एसिडिटी से हमने स्टार्ट किया मिर्ची और मसाले खाए ना तो उसका फिर वो लापरवाही से हमारी अंदर स्टमक में प्रॉब्लम होती है। अब हम लोगों ने ऑफकोर्स डॉक्टर साहब ने फर्स्ट एड के तौर पे कहवा या जो भी होम रेमेडी बताई लेकिन किसी को बहुत ज़्यादा है और ख़ास तौर पे जब इंडिकेशन हो ब्लड या पस आने का तो वो आपको अलार्म दे रहा है कि ये काफ़ी हद तक आगे चला गया। फिर हम ऑफकोर्स एक हेल्थ कंसल्टेंट से रिव्यू करते हैं प्रॉपर मेडिसिन फिर ये होम रेमेडीज काम नहीं आती हैं फिर हमें प्रॉपर अपनी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। अच्छा कुछ एक्सटर्नल होते हैं कुछ इंटरनल यूजिंग में होते हैं और हमें अपने आप को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। हम ओवर टू हकीम साहब के चलेंगे और पूछेंगे हकीम साहब से कि हकीम साहब ये बताइए कि इंटरनल ऑफकोर्स एक स्टेज से क्रॉस हो गए अब तो ये होम रेमेडी से तो नहीं मैं समझती हूँ कंट्रोल होगा फिर आपकी मेडिसिन यानी कि फैमिली फिजिशियन होते हैं ऑफकोर्स और फिर हम एक्सटर्नल क्या यूज कर सकते हैं कुछ मैं ये क्लीन रखना बहुत जरूरी है। सवाल है आपका और ये नाज़रीन इस बात पे गौर कर लीजिए कि होम रेमेडीज जो हैं वो आपको किसी हद तक उस तकलीफ दे अमल से निकाल देते हैं मगर अगर आप बदपरहेजी जारी रहेगी तो फिर आप कभी भी आप इस मर्ज से बाहर नहीं निकल सकते। होम रेमेडी से क्लियर नहीं हो सकते मैं क्लियर बोल रहा हूं बिल्कुल। अच्छा जब आपका मर्ज ऐसी सूरत इख्तियार कर दिया जिस वक्त ये हो के लाइलाज सूरत में बिल्कुल बिल्कुल तो मेरे पास ऐसे मरीज आते हैं जो क्रॉनिक डिजीज होते हैं लाइलाज हो जाते हैं जो कि जिन्हें डॉक्टर बाज़ूकात कह भी देते हैं कि आपका रेक्टम में आपका कैंसर हो गया तो ये भी फौरी तौर पर जो है आपको हमसे रब्ता करें। हमारी कुछ मेडिसन है मसलन ये फेमिनाइन है मस्कुलाइन है और ये फेमिनाइन है ओके ये दोनों दवाएं जो हैं ये इस्तेमाल में आती हैं रेक्टम में लगाने के लिए जब भी अजाबत से फारिग होते हैं हम उसे और कहते हैं कि रेक्टम में लगा लें और ये अंदर का इन्फेक्शन भी ख़त्म करते हैं आंतों तक पहुंचती है ये दवा आंतों का इन्फेक्शन। अच्छा फिंगर से बताइएगा बस वहीं उठाइएगा नहीं आइए ये फेमिनाइन है ये लेडीज के लिए है ओके ये मस्कुलाइन है ये जेंट्स के लिए है। लेडीज का हर किस्म का इन्फेक्शन चाहे वो यूट्रस का हो या मकद का हो रेक्टम का यानी अजाबत वाली जगह का किसी किस्म का इन्फेक्शन हो पाइल उसमें पाइल्स के जो है वो जख्म आ रहा हो खून आ रहा हो पस आ रही हो पाइल्स के जख्म है मस्से हैं दाने हैं ये उन दानों को भी खत्म करती है दवा
और ये जब आप पकाने वाली जगह पर लगाएंगे अच्छी तरह तो ये अंदर आंतों तक जाती है दवा, और आंतों का इन्फेक्शन को ख़त्म करती है, आंतों के बैक्टीरियाज ख़त्म करती है, और इसी तरह आपकी अजाबत जो है सुबह के वक्त में या किसी वक्त में भी जब आप करते हैं तो ये अजाबत आपका पास होना, स्टूल पास होने में बहुत ये आप आसानी पैदा होना शुरू हो जाती है। और इसी तरह मैंने बताया कि खवातीन के मामले में जो मैंने ये फेमिनाइन बताई है ये भी पाइल्स के साथ साथ यूट्रस इन्फेक्शन, यूट्रस में स्वेलिंग, यूट्रस की हर प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म करती है, और यूट्रस की जो बाज़ खवातीन का ढीली हो जाती हैं उसमें लेकोरिया या लेकोरिया से पैदा होने वाले इन्फेक्शन जो है वो ख़त्म करते हैं। क्योंकि आज का हमारा मौजू है सिर्फ पाइल्स और फिशर, यस, तो मैं बारह उसको फिर भी मैंने खवातीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो खवातीन के लिए, और इसी तरह जेंट्स के लिए मामलात में भी ये मस्कुलाइन जो है वो ज़बरदस्त चीज़ है, और जिस्म में बाज़ुकात एलर्जी शुरू होती है क्योंकि गर्म अशिया का इस्तेमाल से ना सिर्फ बवासीर हो जाती है, और बवासीर को अगर आप फौरी कंट्रोल ना करें तो इससे जिस्म में एलर्जी, दाने और निकलना, चेहरे पे दाने और मस्से निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये फेमिनाइन जो है और मस्कुलाइन पूरी बॉडी पे भी लगा के इसको नहाया जाता है। ऐसी हमारी कुछ दवाएं हैं, मसला अस्करी गोल्ड है, ये नाजीन पड़ाओ ये मौजूद है अस्करी गोल्ड। ये अस्करी गोल्ड जो है वो आप खाने से आपके फौरी तौर पर सीने की जलन ख़त्म होती है, आंतों का इन्फेक्शन ख़त्म होता है, और फिर जैसे जैसे अंदर तक जाती है और पूरे बॉडी में रेक्टम तक यानी आखिरी सिरे तक जहाँ से अजाबत आप कर उसके लिए स्टूल पास करने में भी उसकी जलन को भी ख़त्म करती है। ऐसे हमारे पास जो है यानी बहुत क्रॉनिक डिजीज पेशेंट जो है पाइल्स के और फिशर के आते हैं, और ये इंशाल्लाह 40 से 41 दिन बाद मरीजों को जो कैंसर में मुबतला हो जाते हैं, आंतों का कैंसर है, इसी तरह स्टूल वेल पास जगह करने वाली रेक्टम में कैंसर है, या आपकी छोटी और बड़ी आंच में इन्फेक्शन किसी किस्म का है, मेदे का अल्सर है या मेदे का कैंसर है, उसको भी हम बड़ी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं और 90 दिन में वो मरीज से छुटकारा पा लेता है। तो नाज़िर बात यह है कि अल्लाह ताला ने जितने भी मरीज पैदा किए हैं उनका इलाज मौजूद है, यकीन और ईमान होना चाहिए। तिब नबी वो फ़न है, अल्लाह ताला ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इल्म दीन के साथ साथ इल्म तिब भी आपको दुनिया में लोगों को दिया, जिससे लोग रूहानी और जिस्मानी इमराज से बाहर निकल आए, और यूँ एक इंसानों की सेहत, बका और फलाह के लिए हमारे नबी ने जो इल्म दिया है उस पर हम अल्लाह के रहमत से हम काम कर रहे हैं, और ये फ़न जो है ये हम चाहते हैं कि इससे अवामुन्नास फ़ायदा हो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आप करते हैं और वो अक्सर मेरे गुफ्तगू में इनसे कॉल्स पे बात होती है, जो लोग कोई बड़ी स्टमक की प्रॉब्लम में का शिकार होते हैं ना, तो बराए मेहरबानी वो अपना जो खाना है वो रात 9 बजे से पहले इनटेक कर लिया करें, क्योंकि मैंने अक्सर देखा जो बड़ी बीमारियों में मुब्तला होते हैं मैदे से रिलेवेंट, वो अक्सर रात को 11 बजे 12 बजे खाना खा रहे होते हैं। देखिए कहीं किसी दावत में जाना है, शादी पे जाना है, कभी कभी होता भी ऐसा है कि लोग जो है दावतें और शादियों पे भी जाकर बहुत ज्यादा मुरगन गजाएं खा कर घर आते हैं, हजम नहीं हो पाती, और वो भी ऐसे लोग भी उस फौरी तौर पर जो है गैस अटैक उनको होता है, हार्ट अटैक हो जाता है, गैस अटैक होता है, गैस अटैक अक्सर 80% लोगों को गैस अटैक होता है, जो कि वो वैस्कुलर कार्डियो उसमें चले जाते हैं, बिल्कुल ठीक, और कार्डियोवैस्कुलर में जाकर जो है वो कहते हैं कि जनाब हमें हार्ट अटैक हुआ है, और जब उनको डायग्नोज किया जाता है तो पता लगता है कि ये हार्ट अटैक नहीं है, गैस अटैक है, और उस पर जो है वो डॉक्टर से एक इंजेक्शन लगाते हैं, 5 से 10 हज़ार का एक इंजेक्शन होता है, और वो इंजेक्शन जो है वो क्या होता है वो आपकी गैसेस को खारिज कर देता है। तो कितना महंगा ये अमल हुआ कि अगर आप इस थोड़ा सा एहतियात कर लेते और ऐसी सूरत में कुछ चूर्ण जो मैं अभी बताता हूँ आपको वो इस्तेमाल कर लिया करें खाने के बाद या बदपरहेजी के बाद,
तो उससे आप कम से कम आफ्टर इफेक्ट से चले जी बता दे जी डॉक्टर साहब बता रहे हैं डॉक्टर प्रोफेसर अगर रोजाना ही आप बदपरहेजियां करेंगे रोजाना ही आप खाना खा कर सोएंगे तो यकीन मानिए आपने जिंदगी को आधा कर दिया और मौत की घंटी कभी भी बच सकती है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अक्सर जो है मरीजों को जो हार्ट अटैक होता है वो फजर के वक्त में होता है। बिल्कुल ठीक, ये नोट कर लीजिए। फजर के वक्त में जिन लोगों को हार्ट अटैक होता है वो समझ लीजिए कि उन्होंने रात को जरूर ऐसी कोई बदपरहेजी की है जिसके इफेक्ट आपको फजर में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो मैं क्या बताने लगा था सर, आप एक चूर्ण बताने लगे थे खासतौर पे जो शादियों में जाके लोग बदपरहेजियां करते हैं, लेकिन ये कभी कभी रेगुलर आप इसका इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। बिल्कुल, कभी जब बदपरहेजी हो तो आप खाने का शादी से आए कोशिश करें कि दही का इस्तेमाल करें, दही में जीरा का रायता बना ले, लौकी थोड़ी सी डाल ले या दही को आप रात को जरूर इस्तेमाल कर लीजिए। दूसरा सेकंड यह है कि अगर दही आपके लिए तकलीफ दे है तो फिर आप आइए, मैं आपको बेहतरीन चूर्ण बताता हूँ। नोट कीजिए, जीरा लीजिए 50 ग्राम, कलौंजी 50 ग्राम, अदरक सूखा जिसे जंजबील कहते हैं खुश्क अदरक पाउडर 50 ग्राम, काला नमक 50 ग्राम, हड़ भीड़ा, ये तिरफल खिला रहा हर भीड़ा आमला इसके छिलके लीजिए खुश्क, इसे कुटिए 50-50 ग्राम और इसमें सौंफ और जंगली पुदीना 50-50 ग्राम शामिल कर लीजिए। बहुत मज़ेदार बेहतरीन चूर्ण है, इसे बारीक कर लीजिए, पाउडर कर लीजिए और इसको रात को खाने के बाद, दोपहर खाने के बाद जो गेस्ट के मरीज़ हैं वो इस्तेमाल करें। इससे आपका स्टूल भी बेहतर हो जाएगा। अगर प्रॉब्लम यूरिन में कोई प्रॉब्लम आती है क्योंकि गर्म चीज़ें खाने के बाद यूरिन भी जलन शुरू होती है। बिल्कुल ठीक है। और ख़ास तौर पर आपकी अब सर्दी आ रही है, आपका वाटर इनटेक जो है वो कम नहीं होना चाहिए क्योंकि सर्दियों में प्यास नहीं लगती, डिहाइड्रेशन हो जाता है लोगों को और वो पानी जो कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा पीते हैं सर्दियों में पीना बंद कर देते हैं, आप इस्तेमाल कीजिए। और सर्दियों में जो जूसेस वाले फल अल्लाह ताला पैदा करता है वो इसीलिए होते हैं कि आप पानी की मकदार आपके यहाँ कम हो जाती है, विटामिन सी कमी वाक़ हो जाती है जिससे नज़ला खांसी और बुखार होता है और विटामिन सी जो है वो आपको नज़ले खांसी बुखार से रोकती है। बिल्कुल ठीक। तो ये आपको जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, एक तो चूर्ण बताया, इसके अलावा आपको इसी तरह मैं एक काढ़ा भी बताता हूँ जो कि शुगर के मरीज़, ब्लड प्रेशर के मरीज़ और जो इमराज़ मेदे के मरीज़ हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ओके, नाज़रीन नोट कीजिए, सौंफ एक चम्मच, पुदीना पत्ते ताज़ा पुदीना तकरीबन 21 अदद, सौंफ पुदीना ओके, सुहांजना ये लीजिए सुहांजा 20 ग्राम ओके, नीम के पत्ते 20 ग्राम ओके, और अनारदाना 10 ग्राम, छोटी इलायची दाना 10 ग्राम, यानी छोटी इलायची के आप बीज निकाल लीजिए 10 ग्राम दीजिए। ठीक ठीक। और इसको इसका कहवा बनाए, 4 गिलास पानी डालिए या 4 कप पानी डालिए। हाँ ये बात भी है, और जब 3 कप रह जाए तो अच्छा, ये जो मैंने बताया ना सारी चीज़ें, असल में अब इसको इसमें जो है तकरीबन 4 गिलास पानी डालकर इसको 4 गिलास भर के डालिए। यस ठीक है, 4 कप नहीं, 4 गिलास भर के डालिए और जब ये 3 गिलास रह जाए तो इसको में एक एक कप करके ये 2 दिन इस्तेमाल कीजिएगा। तो यूँ ये कहवा जो है ये आपके लिए शुगर, ब्लड प्रेशर और गैस्ट्रिक के मरीज, अल्सर के मरीजों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ज़बरदस्त। एक और नुस्खा नोट कर लीजिए। जी जी, वो है छोटी इलायची के बीज लीजिए 10 ग्राम ओके, तबाशीर 10 ग्राम और मिश्री 10 ग्राम, मिश्री 20 ग्राम डबल लीजिए मिश्री, और इसको सब बिल्कुल बारीक कर लीजिए, आधा चमचा सुबह आधा चमचा शाम, खाने से आधा घंटा पहले इस्तेमाल कीजिए, आपको आपकी सीने की जलन ख़त्म हो जाएगी, आपके अंदर जो है ये मकत तक जो है ये जाएगी दवा और ये आंतों के इन्फेक्शन को ख़त्म करते हुए पाइल्स का मसला भी आपका
तकलीफ दे अमर से भी आप किसी हद तक जो है जबरदस्त। अच्छा, इस कहवे को आप रेगुलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फायदेमंद है, चाहे अल्लाह ने करे अगर किसी को नहीं भी है तब भी वो इस्तेमाल करे, उसको ही बेनिफिट होगा। डॉक्टर साहब, आई हैव जस्ट ओनली 2 मिनट्स, जाते जाते आप अपना मैसेज भी दे दें और अपना एड्रेस और लोगों को टाइमिंग भी एक बार रिपीट कर दें। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो खैर नाजिन में इस वक्त मेरे पास जो ये नंबर आपके चल रहे हैं यही नंबर मेरे पास है और मैं बराह रास्त मरीजों के फ़ोन को अटेंड भी करता हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि मरीज़ जो है मुझे लेट नाइट भी काफ़ी फ़ोन करते हैं, तो मैं उनको काइंडली ये कहता हूँ कि मुझे 11 बजे के से पहले पहले फ़ोन कर लिया करें, लेट नाइट ना किया करें। दूसरी बात यह है कि आपकी आप मुझे जैसे जो लोग मिस कॉल करेंगे उन्हें मैं फौरी तौर पर अपने क्लिनिक का एड्रेस जो है मेरे जो असिस्टेंट है वो फौरी तौर पर वो भेज देते हैं, एड्रेस टाइमिंग वगैरह सारी चीज़ें। मैं फिर दोबारा बता देता हूँ अपना एड्रेस और टाइमिंग। नाजिद, ये मैं गुलिस्तान जौहर कराची का इलाका है जहाँ पर एक साइड पे गुलिस्तान जौहर है, दूसरे रोड के दूसरी पार जो है वो गुलशन इकबाल है, ब्लॉक 10A राशिद विनास रोड, नज़द लासानिया रेस्टोरेंट ग्लैमर मॉल में मेरा मतलब है। 11 बजे से 2 बजे तक बैठता हूँ दिन में और शाम को 4 से रात 9 बजे तक होता हूँ। और मेरा दिन है इतवार, पीर, मंगल और बुध, इन 3 दिन 4 दिन मैं यहाँ पे विज़िट करता हूँ। दूर दराज के इलाके के लोग मुझे व्हाट्सएप पर अपना मुकम्मल वॉइस मैसेज भेजें, अपने मर्ज़ से मुतालिक शहर, उम्र और तमाम तफसीलात बना कर भेजें और मुकम्मल अपनी रिपोर्ट्स भेजें। इंशाल्लाह मैं आपको होम डिलीवरी, हमारी सारी मेडिसिन होती है और जितनी ये मेडिसिन हमारी रखी हुई है ये कहीं किसी दुकान पर नहीं मिलती, ये बाकायदा ऑनलाइन हम आपको मेडिसिन भेजते हैं। आप कहीं किसी शॉप पे, मेडिकल स्टोर पे ये दवाएं तलाश मत कीजिए, इसलिए आपको फ्रेश, ताज़ा और जुद असर अद्वियात जो है बराह रास्त हम भेजते हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, थैंक यू सो मच। और प्रोफेसर साहब को आप अभी प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा और इस प्रोग्राम को अगर आपने मिस कर दिया तो रात को रिपीट आप देख सकती हैं, 12 बजे आप इस शो को देख सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा और फिर इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज़। फिर खुश आमदेद कहते हैं गुड मॉर्निंग विद सभी में और मैं बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ आपकी हेल्थ से रिलेवेंट और एवरी फ्राइडे जो है कोई ना कोई हम एक टॉपिक लेकर आते हैं और आज टॉपिक है वो है पाइल्स एंड फिशर। जब ऑफकोर्स कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होती है, कब्ज़ बहुत ज़्यादा होती है, रीज़न ऑफकोर्स आगे चल के ये बहुत बड़ी डिजीज़ भी बन सकती है, लाइक कैंसर भी हो सकता है, इसको इतना ईजीएस्ट ना लें। खान पीन में हम लोग कभी कभी इरेगुलर हरकतें करते हैं और ऐसी चीज़ें खाते रहते हैं जो हमारे स्टमक जो है वो बेचारा जो है ना उस पर बर्डन ज़्यादा पड़ जाता है और हम लोग अपने खाने पीने में एसिडिटी टाइप के खाने जिनमें बहुत ज़्यादा स्पाइस होता है और फास्ट फूड हो गया, बहुत ज़्यादा राइस खा रही, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम लोग सही तरह चबाते भी नहीं हैं और निगल जाते हैं वो जाके हमारे अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू। जब कोई चीज़ें इन्फेक्शन के तौर पे अंदर क्रिएट होती हैं तो वो कहीं ना कहीं जाके किसी ना किसी ऑर्गन को हिट करती हैं। लेकिन अगर मैं ऑफकोर्स जब बात कर रही हूँ आपके पाइल्स की या फिशर की, इसकी रीजन्स क्या हैं, वजह यानी कि क्या हो सकती है और लापरवाही से ये कौन सी तकलीफ में हम मुब्तला हो सकते हैं, क्या हमारी इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है, ये बहुत ही सारे सवालात हैं। ऑफ कोर्स जब टॉपिक की बात करते हैं और फ्राइडे में हमारे साथ बहुत ही सीनियर पर्सन मौजूद होते हैं, अगर मैं हिकमत की बात करूं, तिब्बे नबवी की बात करूं, फिर ऑफ कोर्स एक जद्दी पुश्ती ऑफ कोर्स जो लोग होते हैं जो हिकमत को ले के चल रहे हैं, उनके आबाओ अजदाद, उनके वालिद, उनके दादा परदादा, फिर कदीमी नुस्खे जो होते हैं वो फॉलो करते हैं और ये जो कदीमी नुस्खे जो होते हैं वो हम अक्सर अपने घर में अपने दादा नानी जब कुछ कहते थे, शहद चाट लें, काली मिर्चें, दखनी मिर्चें और जी ये अजवाइन, ये सब चीज़ें हमारे पास होती हैं लेकिन हमें मालूम नहीं होता। ये वही लोग बता सकते हैं जिनके पास कदीमी नुस्खे होते हैं और वो लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और तिब्बे नबी में एक बड़ा नाम शॉर्ट फॉर्म में
ये कहूँगी आतिब नबी और हिकमत में एक बड़ा नाम माशाल्लाह उन्होंने बहुत सारी सनदे मैं कहूँगी सर्टिफाइड टू इंटरनेशनल लेवल, तो शॉर्ट फॉर्म में ये कहूँगी ऑक्सफोर्ड कैलिफोर्निया और इंटरनेशनल लेवल पर उनके जो हैं वो मेडिसिन चाइनीज होम्योपैथ और तमाम हर्बल इन तमाम जो हैं सर्टिफिकेट्स उन्होंने लिए हुए। और मैं ये कहूँगी इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं एवरी फ्राइडे हैं डॉक्टर प्रोफेसर हकीम अस्करी साहब, और आज का टॉपिक जो है वो है पायल्स एंड फिशर जी। वेलकम करती हूँ डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह की रहमत है, करम है, खैर। जब आप आते हैं ना यकीन करें मुझे इत्मीनान हो जाता है कि लोगों को बेहतरीन नॉलेज मिलने वाली है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का मौजू हमारा इंतहाई अहम तरीन मौजू है जिसे आप कभी नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा, क्योंकि फिशर और पाइल्स यस इसे तिब्बी ज़ुबान में बवासीर बादी या खूनी बवासीर भी कहते हैं यस, और फिशर को नवासीर कहते हैं। ओके, यानी बवासीर और नवासीर, नवासीर मीन नासूर। तो ये दो चीज़ें जो है इंतहाई तकलीफ दे, अज़ियतनाक और नाकाबले बर्दाश्त होती हैं। महफिल में आदमी बैठने वो नहीं होता, काबिल नहीं रहता, जिसकी इसलिए कि उसको मुसलसल तवज्जो जो है वो उस तकलीफ़ की तरफ होती है जो उसको मुसलसल बैठने में महसूस होती है। तो इस अज़ियत से बचने के लिए आज हम आपको वो राज, वो पोशीदा चीज़ें बताते हैं कि जिनके ज़रिए आप इस इन मसाइल से निजात हासिल कर सकते हैं, और अगर इसको मज़ीद पालेंगे, इस मर्ज़ को मज़ीद आप मामूली समझेंगे, तो ये मर्ज़ आपको बिस्तर पे लिटा देगा। और ना सिर्फ जैसे कि बताया कि ये हैबतनाक सूरत इख्तियार करके आपको कैंसर में मुब्तला कर सकता है। तो लिहाजा ये चीज़ें जो मैं अभी आपको इनके अलामात बताता हूँ, इसकी इलाज भी बताएंगे, और इससे इसके बारे में जो परहेज़ है वो उस पर भी आपको अवेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि ये मर्ज होता क्या है। बिल्कुल ठीक, ये मर्ज ऐसा है कि इसमें दो किस्म की, मैंने कहा कि बवासीर जो है वो दो किस्म की ज़्यादा मारूफ हैं। मसलन एक में वो बवासीर जो खूनी कहलाती है, जिसमें मकद में यानी अजाबत वाली जगह पर जो है वो मौके निकल आते हैं, मस्से निकलते हैं, और इसी तरीके से दूसरी एक बवासीर होती है जिसमें अंगूर के गुच्छे की तरह बारीक बारीक दाने होते हैं और वो मकद से बाहर आते हैं, यानी रेक्टम से उसका बाहर आ जाना ये भी बड़ा तकलीफ दे अमर होता है। और इसी तरह खुश्क बवासीर होती है, यानी उसमें जलन होती है, दर्द होता है, अजाबत करते हुए तकलीफ़ होती है, और कब्ज़ की सूरत जो है वो ज़्यादा शदीद हो जाती है। अमूमन जिन लोगों को कब्ज़ रहती है, या वो लोग जो मिर्च मसाले अचार चटनी गोश्त जंक फूड और इसी तरह चटपटी अशिया का शौक़ रखते हैं, गोश्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी फिशर या बवासीर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अपनी ग़िज़ा को नॉर्मल रखने से ही आप इन इमराज पर जो है वो कंट्रोल पा सकते हैं। अब फिशर क्या है? फिशर जो है वो अजाबत वाली जगह से थोड़ा सा हटकर एक जगह पीछे की तरफ साइडों पर, वहाँ पर एक दाना से निकल आता है, फिर वहाँ पर एक वो दाना जो है फूलना शुरू होता है और पस और खून जारी रहता है। जब आप बदपरहेजी करेंगे, जिस दिन आपने अंडा मछली गोश्त मिर्च मसाले अचार चटनी और ऐसी बदपरहेजी शुरू कर दी, और ख़ास तौर पर बड़ा गोश्त जो है ये आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह होगा, तो ये होता है कि उसमें फिर वो पस भरना शुरू हो जाती है, और फिर जब पस निकल जाती है तो आदमी को सुकून होता है। ये फिशर की एक जो है वो अलामत आती है आपके सामने। अब ऐसी जो इमराज हैं, इन इमराज को पर आप अपने कंट्रोल किस तरह पा सकते हैं? बुनियादी चीज़ है कि सबसे बड़ी चीज़ है ग़िज़ा,
रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप उन चीज़ों का इस्तेमाल बंद कर दीजिए जो मैं अभी बयान किया है, मसलन मुर्गी का गोश्त या बकरे का गोश्त, इसी तरह गाय का गोश्त, अंडा, मछली, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल कम कर दीजिए। घिया, तोरी, शलजम, टिंडे, कद्दू, लौकी, ये ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसी तरह सुबह निहार आप इसबगोल की भूसी या तुख्मे बालांगो, तुख्मे रेहान जिसे कहेंगे जी जी, वो एक चम्मच दूध के साथ इस्तेमाल करें। इसबगोल की भूसी 102 चम्मच सुबह निहार और शाम को दो टाइम इस्तेमाल कीजिए। जौ का दलिया, साबूदाना, खिचड़ी और दही का इस्तेमाल आप ज़्यादा रखिए। और ये एहतियात कीजिए कि जिस जगह आप बैठते हैं, जहाँ आपकी सिटिंग है, क्या उस जगह पर रैक्सीन है या फॉर्म है, ये भी बवासीर को और फिशर को बढ़ाने में बुनियादी किरदार अदा करता है। अब वो बात बताते हैं जो किसी को नहीं मालूम होती, अमूमन तो वो लोग किस, उनकी सिटिंग किस पर होनी चाहिए? देखिए, अमूमन जो लोग अक्सरियत जो है वो जब ऑफिस में दफ्तर में जाते हैं तो वो या तो गाड़ी में बैठे होते हैं, तो गाड़ी की सीट भी ऐसी होती हैं कि जो रैक्सीन से बनी होती हैं, यानी कि प्लास्टिक वाली उस पे नहीं बैठे। जी, ये इसमें मर्ज में इजाफा करते हैं। जैसे मोटरसाइकिल पे मुसलसल लोग सफर करते हैं, गर्मी में मोटरसाइकिल की सीट जो है या गाड़ी की सीट इंतहाई गर्म होती है, तो इसके नीचे फॉर्म वगैरह रख के नहीं, फॉर्म भी, फॉर्म तो, और तो फिर क्या क्या रखे? फॉर्म जो है वो गर्मियों में गर्म, सर्दियों में ठंडा होता है। अच्छा ठीक है, फिर क्या यूज करें? कॉटन का टॉवल रखें। अच्छा, या बैद की सीट रखें, बैंत की। हाँ, ओके। बैंत जो है वो बिल्कुल उसके नीचे से हवा वगैरह लगती रहती है, कॉटन, और जो है पसीना खुश्क हो जाता है। जब आपको पसीना मुसलसल आता रहेगा और वो जगह गर्म रहेगी तो पाइल्स में इजाफा हो जाएगा। अच्छा, इसका एक और चीज़ भी बताएं, ये भी बताएं जो लोग कपड़े जो पहनते हैं। अच्छा, आपने बताया, मेरी नॉलेज में भी इजाफा हुआ। फिर कपड़ों में भी लाजमी बात है कि कपड़े भी आपके कॉटन, जैसे जींस पहनते हैं लड़के, कॉटन के कपड़े होने चाहिए, लूज कपड़े रहने चाहिए। जीन्स भी अगर पहनते हैं तो जीन्स भी आपकी लूज होनी चाहिए, बिल्कुल टाइट नहीं होनी चाहिए। ऐसे कपड़े जिनमें आपका पसीना खुश्क हो जाए, अच्छा ठीक, ऐसे कपड़े पहने। ओके। और फिर ये कि अमूमन सर्दियां जब आती हैं तो भी ये मर्ज बढ़ जाता है, क्योंकि लोग सर्दियों में अमूमन कपड़े ऐसे पहनते, गर्म गजाएं भी खाते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, ऊन का ट्राउजर वगैरह जिसमें, या ऐसी ट्राउजर जिसमें नायलॉन मिला हो, यस, तो ऐसे ट्राउजर जो है वो बहुत तकलीफ दे होते हैं, वो आपके मर्ज में इजाफा कर देते हैं। ओके। कोशिश करें कि कॉटन की शलवार, कुर्ता, या आप ऐसे कपड़े पहने जो जिसमें हवा क्रॉस हो सके। ये चीजें हैं जो हम ये समझते हैं कि इन अमराज में। अच्छा, क्या हम कह सकते हैं कि गर्म चीजें हमारी पाइल जो हम लोग इनटेक करते हैं, एक क्वेश्चन है और बहुत सारे लोग ऑफ कोर्स एक अवेयरनेस मिलती है कि जो चीजें हम गर्म, जिनकी हिद्दत है, हम ये कह सकते हैं अब जैसे फिश है, चिकन है, बड़ा गोश्त है, बकरे का गोश्त है, ये सारे मीट्स हैं जिनमें ओमेगा भी मौजूद है, जिनमें हम ये कहेंगे कि हमें ज्यादा प्रोटीन मिल रही है, तो ये सारी चीजें जब हम इनटेक करते हैं तो हमारा जो स्टूल पास करने की जगह है या कब्ज बढ़ाती है या फिशर या पाइल्स को बढ़ाती है, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, तमाम गर्म हिद्दत। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें चूंकि मिजाज में, तबीयत में गर्मी शदीद आ जाती है, आंतों में जो है इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है। ओके। और इसी की वजह से आंतों में जब मतरूब यानी वर्म हो जाता है, अच्छा, इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो वो आगे बढ़कर वो मकद में अजाबत वाली जगह पर, स्टूल वाली जगह पर जो है वो रेशिस पैदा करती है, और जैसे ही आपको ऐसा महसूस हो कि वे स्टूल पास करते हुए आपको तकलीफ हो रही है, जलन हो रही है, तो अपनी ग़िज़ा में फौरी तब्दीली लें, जूसेस, फाइबर, सब्जियां, जी हाँ, इनकी तरफ आ जाए। मतलब लौकी का आप सूप बनाएं, लौकी का रायता बनाइए, लौकी का सालन बनाएं, पतला शोरबे वाला सालन बनाएं, कद्दू, घिया, तोरी, टिंडे, ये इस्तेमाल शुरू कर दीजिए, तो इंशाल्लाह आप फौरी तौर पर उसको कंट्रोल कर लेंगे।
अच्छा एक और चीज जो है, अब मैं इलाज की तरफ आता हूँ। सर इलाज और आपकी कुछ होम रेमेडीज बड़ी मशहूर है, लोग बड़े पूछते हैं, आप बताइएगा कहवा क्या इस्तेमाल करें, खाने को किस कौन सी होम रेमेडी जो घर में अगर चीजें हैं हम उनका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें जो है बुनियादी तौर पर जो है वो आपको इब्तदाई स्टेज पर कंट्रोल करना बिल्कुल ठीक आसान हो जाता है, और जब ये बढ़ जाए मसला तो फिर आपका मसाइल स्थान खुल जाता है। बिल्कुल मसाइल मुख्तलिफ तकलीफ, रात का सोना, सुबह का बैठना, चलना फिरना, हर अमल जो है वो आपको आपकी उसकी तकलीफ की शिद्दत आपके चेहरे पे तासुरात पैदा करेगी, और वो चेहरा जो है वो उसमें भी आपकी कैफियत जो है वो नजर आना शुरू हो जाती है, झुरियां पड़ना शुरू हो जाती है, तकलीफ में आपका आदमी को पता नहीं होता कि उसका चेहरे की कैफियत क्या होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे। अच्छा अब आ जाए इसका इलाज। ओके मूली इस मौसम की बेहतरीन खिजा है। ओके मूली खुदावंद ताला का एक वो अतिया है जो आपके मेदे को साफ करता है, आंतों को साफ करता है, जिगर को के फेल को दुरुस्त करता है, जिगर की गर्मी को ख़त्म करता है, मेदे की जलन और निज़ाम हजम को बेहतर करता है, और इसी तरह आंतों के इन्फेक्शन को ख़त्म करता है, आंतों की सफाई करता है, आंतों से टॉक्सिन्स निकालता है। वाओ जबरदस्त। और मूली हमेशा नाजरीन पत्तों समेत इस्तेमाल करें, मूली को सलाद के तौर पर इस्तेमाल करें, पत्ते और मूली, इसी तरह मूली की भुजी बनाएं। और इसी तरह आपको एक और इसका इलाज बताता हूँ कि रात को मूली काट कर आप उसको ओस में रख दीजिए, ऊपर छन्ना रख लें। हाँ लाजमी कवर कर नजर ओस में रखें ताकि छलनी हो या कोई ऐसी चीज हो जो उसे ढाप दे, मगर उसको जब रात को रखेंगे ओस लगती है, ओस लगेगी, और अगर चांद की रोशनी भी उस पर पड़ जाती है तो वो सोने पे सुहागा उसका होता है, और यूं सुबह निहार उठते ही आप वो मूली खूब चबा कर खाइए। दूसरा मूली का जूस निकालें, जैसे गाजर का रस निकलता है ऐसे मूली को का जूस निकालें पत्तों के साथ। नहीं अच्छा, सिर्फ मूली। ओके ओके सिर्फ मूली उसका जूस निकाल कर उसको सुबह निहार जो है एक मूली का जूस निकाल कर उसे पीजिए, ये भी आपके बवासीर को खूनी बवासीर को खास तौर पर ये कंट्रोल करना शुरू कर देती है। और अब आ जाइए मूली के पत्ते, मूली के पत्तों को उबालिए, वो उबाल के उसका पानी जो है वो सुबह शाम इस्तेमाल करें। ओके अब और भी इलाज बताता हूँ नाजिर, नोट करती चले जाइए, जब भी मेरा प्रोग्राम देखें तो ये चीजें नोट कर पेपर पेन लेके बैठे, और वैसे भी इसको रिपीट कर लीजिए यूट्यूब पे जो है वो आप जाइए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अच्छा एक प्रॉपर अनाउंसमेंट कर दूं ताकि लोग पेपर पे आपके जो डॉक्टर साहब जो हैं प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब जो हैं इस वक्त जबरदस्त किस्म की होम रेमेडीज बता रहे हैं, पेपर पेन लेके बैठे हैं। अभी हम लोगों ने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हम अभी वापस आएंगे और डॉक्टर प्रोफेसर हकीम अस्करी साहब मेरे साथ हो। खुश आमदेद कहते हैं डॉक्टर प्रोफेसर हकीम अस्करी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, और हमारा आज का टॉपिक है वो है आपका स्टमक पाइल्स फिशर स्टूल पास करने की जो जगह है वो बहुत तकलीफ दे होती है, जब आप स्टूल पास कर लेते हैं ओवर टू हम चलते हैं हकीम अस्करी साहब के पास और वो दे रहे हैं बहुत जबरदस्त होम रेमेडीज, पेपर पेन रेडी रखेंगे। यस वेलकम अगेन सर जी। अच्छा स्टूल पास होने में जो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है यस उसकी वजह जो है वो मकद में वर्म स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन ये पैदा हो जाता है, और उस वर्म की वजह से स्टूल पास करने वाली जगह जो है वो तंग हो जाती है, जिसकी वजह से पाइल्स के मरीजों को या इनको फिशर के मरीजों को ये खासी ये तकलीफ दे अमर होता है कि सुबह सुबह वो अजाबत पास करने में इंतहाई तकलीफ महसूस करते हैं। लाजिम सुबह उठते ही 3 से 4 गिलास पानी पीजिए, और इसबगोल सालिम इसबगोल साबुत इसबगोल ये लीजिए 1 चम्मच, ये आप सुबह निहार पानी के साथ नीम गर्म पानी के साथ पीजिए, इससे 1 से 2 दिन में, और इसी तरीके से ये अमल शाम को भी कीजिए, इससे जो है वो आपका स्टूल पास होने में तकलीफ का अमल ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, अंदर जो रैशेज हैं
वो रशेस ख़त्म होने शुरू होंगी और आपको तकलीफ़ में कमी वाक़ होना शुरू हो जाएगी। एक नुस्खा नोट कर लीजिए जो कि आपको सीने की जलन से लेकर वक़्त की जलन तक, आंतों के इन्फेक्शन और हर किस्म की इस तकलीफ़ को ख़त्म करने में ये भी इसका काफ़ी अमल दखल है। नोट कीजिए नाज़िर, केला 2 अदद इसे बारीक कर लीजिए और काट लीजिए और तकरीबन 250 ग्राम दही में ये अच्छी तरह मैश कर लीजिए और इसे सुबह और शाम 2 टाइम इसे इस्तेमाल कीजिए। केला केल 2 अदद केले और 250 ग्राम आपका दही होना चाहिए और ये सुबह दोपहर शाम 3 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं ज़्यादा तकलीफ़ हो तो। इससे क्या होगा, इससे आपकी सीने की जलन जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, अल्सर ख़त्म होगा, आंतों का इन्फेक्शन वो हील होगा और इसी तरह आपके मकद का इन्फेक्शन भी ख़त्म होगा और यूँ अजाबत करने में आपकी जो प्रॉब्लम है वो रफा होना शुरू हो जाएगी। और ये आप नोट कीजिए, कहवा है नीम के पत्ते 7 अदद, 7 अदद नीम के पत्ते, सुहांजना लीजिए ये तकरीबन 10 ग्राम सुहांजना के पत्ते 10 ग्राम लीजिए, पुदीना 21 पत्ते और इलायची 5 अदद छोटी इलायची अच्छी तरह उसको कूट कर उसमें शामिल कीजिए, 4 गिलास पानी डालिए, जब ये 2 गिलास पानी रह जाए तो सुबह और शाम 1-1 कप बन पीजिए इसके और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 3 वक्त में भी आप इसे इस्तेमाल कीजिए और खाने से पहले, नाश्ते से पहले और रात खाने से पहले इसे पीजिए। तो ये चीज़ें तो आपको जो मैंने बताई हैं एहतियाती तदाबीर है, लाल मिर्च जहर है, इंतहाई तकलीफ दे अमर है, आप लाल मिर्चों का इस्तेमाल, गर्म मसाले और ड्राई फ्रूट बिल्कुल बंद कर दीजिए और इसकी जगह अंजीर का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। अंजीर 4 से 5 अंजीर रात को पानी में भिगोएं, सुबह उठें उसको पानी के समेत अंजीर खाइए और ये अमल अगर शाम को भी करते हैं तो इन 2 टाइम में अंजीर जो खुदी बवासीर है उसे कंट्रोल करना शुरू कर देगी और यूँ आपकी तकलीफ रफा होना शुरू हो जाएगी। ज़बरदस्त, ये अमल जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ नाज़िर ये मुस्तकिल इस्तेमाल कीजिए, तकरीबन 40 दिन इस्तेमाल कीजिए और 40 दिन में ये जड़ से इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। क्या बात, बाकी हम जो आपको बता रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि जो लोग इंतहाई तकलीफ अमर दे अमर में चले जाते हैं, जैसे कि डॉक्टर रिकमेंड करता है कि जी आपकी आपको ऑपरेट की ज़रूरत है सर्जरी में, ये जरूर सर्जरी वक्ती तौर पर बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाती है लेकिन अगर आप बदपरहेजियाँ करेंगे तो फिर ये दोबारा आपका मर्ज़ लाहक हो जाएगा और यूँ फिर दोबारा से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें 2-2, 3-3 दफ़ा सर्जरी करवाई मगर उनका मर्ज़ जो है वो दोबारा उन्हें लाहक हो गया। हमारी कुछ प्रोडक्ट हैं, अद्वियात हैं जो इस इन इमराज़ को जड़ से ख़त्म कर देती हैं। मसलन ये कि मैंने अभी पहले जिक्र किया कि सीने की जलन से, गैसेस से एसिडिटी इसकी इब्तदा है, ठीक है, आपकी बदपरहेजियाँ लापरवाहियाँ कोताहियाँ इसकी सज़ा है, सही समझे ना, और ये सज़ा इंतहाई अज़ियतनाक होती है आदमी को। मैं बार बार कहता हूँ कि वो समझता है कि बस हमें जिंदगी और मौत की कश्मकश, बिल्कुल ऐसे ही ऐसे, क्योंकि ना सोने में सोना नींद आती है उसको, बेचैनी बेचैनी, ना ही वो कंसंट्रेट कर सकता है, ना ही अपने कारोबार को देख सकता है प्रॉपर तरीके से और ना ही अपने बच्चों और बीवी और दोस्तों में बैठकर कर पुरसकून बात, रेस्टलेस हो गया ना, बिल्कुल बेचैन हो गया, रैश होता है, टेंशन होती है, परेशानी होती है, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और यूँ उसका जिंदगी का दिन और रात जो है बेचैनी बेकरारी परेशानी में मुबतला रहता है और आप खुद कहते हैं कि मैदे में तकलीफ 101 बीमारियों की जड़, मैदा जो है उम्मुल इमराज है यानी इमराज की माँ, जहाँ से आपका खराबी शुरू होती है, बवासीर आंतों के इन्फेक्शन अल्सर आंतों का अल्सर मैदे का अल्सर जिगर का लिवर सोरेसिस और शुगर ब्लड प्रेशर हार्ट प्रॉब्लम्स
यानी सारी बीमारियां जो मैं बता रहा हूँ ये बीमारियां तो मेन हैं, इसके अलावा बहुत सारी ऐसे इमराज हैं जो इसकी मुसलसल अमल बीमार रहने से और लापरवाह रहने से और या बेहतरीन इलाज ना होने से ये मर्ज जो है वो आपको जिंदगी और मौत की दहलीज आपने मुसलसल कहा है। आपका मुसलसल मोबाइल जो है ना वो एक ही आवाज है ब्रूम 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 और मैं यहां पर जो प्रोग्राम चलता है ना तो ये बता रहे हैं मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर जो इस वक्त चल रहे हैं चैनल पर उन कॉन्टेक्ट पर जो है वो फोन करना शुरू कर देते हैं और फिर मैं नाजिर बाद में मैं आपको इंशाल्लाह एक मैसेज आता है जाय करेगा आपको कि मेरा अपने क्लिनिक के टाइमिंग्स वगैरह और फीस वगैरह तमाम चीज़ें जो है ना किन डेट्स पे मैं बैठता हूँ मैंने अपने चेंज कर दिए हैं दिन। मैं इतवार पीर मंगल और बुध हफ्ते में चार दिन जो है अपने क्लिनिक जो कि मेरा राशिद मिन्हास रोड ग्लैमर मॉल और इसी नज लासानिया रेस्टोरेंट ये है ये समझो कि अलादीन पार्क और का रोड है जहाँ से आपको मलिनियम मॉल का इस साइड से मलिनियम मॉल है यहाँ अलादीन पार्क है तो इसका जो रोड है उसे राशिद मिन्हास रोड कहते हैं। इस रोड के दूसरे सामने जो है वो गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल का इलाका है। मैं गुलशन इकबाल ब्लॉक 10A में मरीज देखता हूँ। बराए करम मुझसे आप अपॉइंटमेंट लेकर तशरीफ लाएँ। जो दूर दराज के मरीज हैं वो व्हाट्सएप पर अपनी तमाम रिपोर्ट्स भेजें, अपनी मुकम्मल तफसीलात जो है वॉइस मैसेज के जरिए भेजें, टाइमिंग भी बता दीजिए, हाँ वॉइस मैसेज भेजें और अपना मुस्तकिल इलाज जो है हम ये दौरे जदीद जो है इस पे हमें बजाय अब मुख्तलिफ इलाकों में जाने के हम घर बैठे ही आपको दवा भेज सकते हैं, आपका मुकम्मल डायग्नोस करते हैं, मुकम्मल इलाज हो जाता है और पाकिस्तान से बाहर के लोग भी इससे मुस्तफीद होते हैं। बेशक बेशक। अच्छा आपकी टाइमिंग क्या है क्लिनिक में बैठने की? क्लिनिक की टाइमिंग जो है वो शाम 4 से रात 9 है, सुबह 11 से 2 बजे है। अच्छा ये तो आपने होम रेमेडी जो यानी कि इब्तदाई अल्लाह ना करे किसी को फील हो रहा है एसिडिटी जैसे इन्होंने कहा इनिशियली इब्तदाई तौर पे हमें फील होता है जैसे हमारे वो खाने पीने वाला डिकार हमें वही फील हो रहा है एसिडिटी से हमने स्टार्ट किया मिर्ची और मसाले खाए ना तो उसका फिर वो लापरवाही से हमारी अंदर स्टमक में प्रॉब्लम होती है। अब हम लोगों ने ऑफकोर्स डॉक्टर साहब ने फर्स्ट एड के तौर पर कहवा या जो भी होम रेमेडी बताई लेकिन किसी को बहुत ज़्यादा है और ख़ास तौर पर जब इंडिकेशन हो ब्लड या पस आने का तो वो आपको अलार्म दे रहे हैं कि ये काफ़ी हद तक आगे चला गया। फिर हम ऑफ कोर्स एक हेल्थ कंसल्टेंट से रिजू करते हैं प्रॉपर मेडिसिन। फिर ये होम रेमेडीज़ काम नहीं आती हैं फिर हमें प्रॉपर अपनी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। अच्छा कुछ एक्सटर्नल होते हैं कुछ इंटरनल यूजिंग में होते हैं और हमें अपने आप को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। हम ओवर टू हकीम साहब के चलेंगे और पूछेंगे हकीम साहब से कि हकीम साहब ये बताइए कि इंटरनल ऑफ कोर्स एक स्टेज से क्रॉस हो गए अब तो ये होम रेमेडी से तो नहीं मैं समझती हूँ कंट्रोल होगा हाँ। फिर आपके मेडिसिन यानी कि फैमिली फिजिशियन होते हैं ऑफ कोर्स और फिर हम एक्सटर्नल क्या यूज कर सकते हैं कुछ ये क्लीन रखना बहुत जरूरी है। सवाल है आपका और ये नाज़रीन इस बात पे गौर कर लीजिए कि होम रेमेडीज जो हैं वो आपको किसी हद तक उस तकलीफ दे अमल से निकाल देते हैं मगर अगर आप बदतरेजी जारी रहेगी तो फिर आप कभी भी आप इस मर्ज से बाहर नहीं निकल सकते। होम रेमेडी से क्लियर नहीं हो सकते मैं क्लियर बोल रहा हूं। अच्छा जब आपका मर्ज ऐसी सूरत इख्तियार कर जाए जिस वक्त ये हो के लाइलाज सूरत में बिल्कुल बिल्कुल तो मेरे पास ऐसे मरीज आते हैं जो क्रॉनिक डिजीज होते हैं लाइलाज हो जाते हैं जो कि जिन्हें डॉक्टर बाज़ोकात कह भी देते हैं कि आपका रेक्टम में आपका कैंसर हो गया तो ये भी फौरी तौर पर जो है आपको हमसे रब्ता करें। हमारी कुछ मेडिसन है मसलन ये फेमिनाइन है मस्कुलाइन है और ये फेमिनाइन है ओके ये दोनों दवाएं जो हैं ये इस्तेमाल में आती हैं रेक्टम में लगाने के लिए। जब भी अजाबत से फारिग होते हैं हम उसे और कहते हैं कि रेक्टम में लगा लें और ये अंदर का इन्फेक्शन भी ख़त्म करते हैं आंतों तक पहुंचती है ये दवा आंतों का इन्फेक्शन। अच्छा फिंगर से बताइएगा बस वहीं उठाइए ये फेमिनाइन है ये लेडीज के लिए है ओके ये मस्कुलाइन है ये जेंट्स के लिए है। लेडीज का हर किस्म का इन्फेक्शन चाहे वो यूट्रस का हो या मकद का हो रेक्टम का यानी अजाबत वाली जगह का किसी किस्म का इन्फेक्शन हो पाइल उसमें पाइल्स के जो है वो
जख्म आ रहा हो, खून आ रहा हो, पस आ रही हो, पाइल्स के जख्म है, मसे हैं, दाने हैं, ठीक है, ये उन दानों को भी खत्म करती है दवा। और ये जब आप पखाने वाली जगह पर लगाएंगे अच्छी तरह तो ये अंदर आंतों तक जाती है दवा और आंतों का इन्फेक्शन को ख़त्म करती है, आंतों के बैक्टीरियाज ख़त्म करती है। और इसी तरह आपकी अजाबत जो है सुबह के वक्त में या किसी वक्त में भी जब आप करते हैं तो ये अजाबत आपका पास होना, स्कूल पास होने में बहुत ये आप आसानी पैदा होना शुरू हो जाती है। और इसी तरह मैंने बताया ना कि खवातीन के मामले में जो मैंने ये फेमिनाइन बताई है ये भी पाइल्स के साथ साथ यूट्रस इन्फेक्शन, यूट्रस में स्वेलिंग, यूट्रस की हर प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म करती है। और यूट्रस की जो खवातीन का ढीली हो जाती है उसमें लेकोरिया या लेकोरिया से पैदा होने वाले इन्फेक्शन जो है वो ख़त्म करते हैं। चूँकि आज का हमारा मौजू है सिर्फ पाइल्स और फिशर, यस, तो मैंने बारह उसको फिर भी मैंने हाँ, खवातीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो खवातीन के लिए। और इसी तरह जेंट्स के लिए मामलात में भी ये मस्कुलाइन जो है वो ज़बरदस्त चीज़ है। और जिसम में बाज़ औक़ात एलर्जी शुरू होती है क्योंकि गर्म अशिया का इस्तेमाल से ना सिर्फ बवासीर हो जाती है और बवासीर को अगर आप फौरी कंट्रोल ना करें तो इससे जिसम में एलर्जी, दाने और निकलना, चेहरे पे दाने और मस्से निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये फेमिनाइन जो है और मस्कुलाइन पूरी बॉडी पे भी लगा के इसको नहाया जाता है। ऐसी हमारी कुछ दवाएं हैं, मसला अस्करी गोल्ड है, ये नाज़रीन पड़ाओ ये मौजूद है अस्करी गोल्ड। ये अस्करी गोल्ड जो है वो आप खाने से आपके फौरी तौर पर सीने की जलन ख़त्म होती है, आंतों का इन्फेक्शन ख़त्म होता है और फिर जैसे जैसे अंदर तक जाती है और पूरे बॉडी में रेक्टम तक यानी आखिरी सिरे तक जहाँ से अजाबत आप कर उसके लिए स्टूल पास करने में भी उसकी जलन को भी ख़त्म करती है। ऐसे हमारे पास जो है यानी बहुत क्रॉनिक डिजीज पेशेंट जो है पाइल्स के और फिशर के आते हैं और ये इंशाल्लाह 40 से 41 दिन बाद मरीजों को जो कैंसर में मुबतला हो जाते हैं, आंतों का कैंसर है, इसी तरह स्टूल वेल पास जगह करने वाली रेक्टम में कैंसर है या आपकी छोटी और बड़ी आंच में इन्फेक्शन किसी किस्म का है, मेदे का अल्सर है या मेदे का कैंसर है, उसको भी हम बड़ी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं और 90 दिन में वो मरीज से छुटकारा पा लेता है। तो नाजिद बात यह है कि अल्लाह ताला ने जितने भी मरीज पैदा किए हैं उनका इलाज मौजूद है। यकीन और ईमान होना चाहिए, तिब नबी वो फ़न है अल्लाह ताला ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इल्मे दीन के साथ साथ इल्मे तिब भी आपको दुनिया में लोगों को दिया जिससे लोग रूहानी और जिस्मानी इमराज से बाहर निकल आए और यूँ एक इंसानों की सेहत बका और फलाह के लिए हमारे नबी ने जो इल्म दिया है उस पर हम अल्लाह के रहमत से हम काम कर रहे हैं। और ये फ़न जो है ये हम चाहते हैं कि इससे अवामुन्नास फ़ायदा हो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आप करते हैं और वो अक्सर मेरे गुफ्तगू में इनसे कॉल्स पे बात होती है, जो लोग कोई बड़ी स्टमक की प्रॉब्लम में का शिकार होते हैं ना तो बराए मेहरबानी वो अपना जो खाना है वो रात 9 बजे से पहले इनटेक कर लिया करें, क्योंकि मैंने अक्सर देखा जो बड़ी बीमारियों में मुब्तला होते हैं मैदे से रिलेवेंट वो अक्सर रात को 11 बजे 12 बजे खाना खा रहे होते हैं। देखिए कहीं किसी दावत में जाना है, शादी पे जाना है, कभी कभी होता भी ऐसा है कि लोग जो है दावतें और शादियों पे भी जाकर बहुत ज्यादा मुर्गन गजाएं खाकर घर आते हैं, हजम नहीं हो पाती और वो भी ऐसे लोग भी उस फौरी तौर पर जो है गैस अटैक उनको होता है, हार्ट अटैक हो जाता है, गैस अटैक होता है। गैस अटैक अक्सर 80% लोगों को गैस अटैक होता है जो कि वो वैस्कुलर कार्डियो उसमें चले जाते हैं, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और कार्डियो वैस्कुलर में जाकर जो है वो कहते हैं कि जनाब हमें हार्ट अटैक हुआ है, और जब उनको डायग्नोज किया जाता है तो पता लगता है कि ये हार्ट अटैक नहीं है गैस अटैक है। और उस पर जो है वो डॉक्टर से एक इंजेक्शन लगाते हैं, 5 से 10 हज़ार का एक इंजेक्शन होता है और वो इंजेक्शन जो है वो क्या होता है वो आपकी गैसेस को खारिज कर देता है। ओके। तो कितना महंगा ये अमल हुआ कि अगर आप इस थोड़ा सा एहतियात कर लेते और ऐसी सूरत में कुछ चूर्ण जो मैं अभी बताता हूँ आपको वो इस्तेमाल कर लिया करें खाने के बाद या बदपरहेजी के बाद
तो उससे आप कम से कम आफ्टर फेक्ट से चले जी बता दे जी डॉक्टर साहब बता रहे हैं डॉक्टर प्रोफेसर की रोजाना ही आप बदफरजियां करेंगे रोजाना ही आप खाना खाकर सोएंगे तो यकीन मानिए आपने जिंदगी को आधा कर दिया और मौत की घंटी कभी भी बच सकती है। बिल्कुल ऐसे अक्सर जो है मरीजों को जो हार्ट अटैक होता है वो फजर के वक्त में होता है। बिल्कुल ठीक, नोट कर लीजिए, फजर के वक्त में जिन लोगों को हार्ट अटैक होता है वो समझ लीजिए कि उन्होंने रात को जरूर ऐसी कोई बदपरहेजी की है जिसके इफेक्ट्स आपको फजर में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक, तो मैं क्या बताने लगा था सर, आप एक चूर्ण बताने लगे थे खास तौर पे जो रात शादियों में जाके लोग बदपरहेजियां करते हैं, लेकिन ये कभी कभी है, रेगुलर आप इसका इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। बिल्कुल, कभी जब बदपरहेजी हो तो आप खाने का शादी से आए कोशिश करें कि दही का इस्तेमाल करें, दही में जीरा का रायता बना ले, लौकी थोड़ी सी डाल लें या दही को आप रात को जरूर इस्तेमाल कर लीजिए। दूसरा सेकंड यह है कि अगर दही आपके लिए तकलीफ दे है तो फिर आपको आइए मैं आपको बेहतरीन चूर्ण बताता हूँ। नोट कीजिए, जीरा लीजिए 50 ग्राम, कलौंजी 50 ग्राम, अदरक सूखा जिसे जंजबिल कहते हैं, खुश्क अदरक पाउडर 50 ग्राम, काला नमक 50 ग्राम, हड़, बहिड़ा, ये तुरफल खिला रहा, हर भीड़ा आमला इसके छिलके लीजिए खुश्क, इसे कुटिए 50-50 ग्राम, और इसमें सौंफ और जंगली पुदीना 50-50 ग्राम शामिल कर लीजिए। बहुत मज़ेदार बेहतरीन चूर्ण है, इसे बारीक कर लीजिए, पाउडर कर लीजिए और इसको रात को खाने के बाद, दोपहर खाने के बाद जो गेस्ट के मरीज हैं वो इस्तेमाल करें, इससे आपका स्टूल भी बेहतर हो जाएगा। अगर प्रॉब्लम यूरिन में कोई प्रॉब्लम आती है क्योंकि गर्म चीज़ें खाने के बाद यूरिन भी जलन शुरू होती है। बिल्कुल ठीक है, खास तौर पर आपकी अब सर्दी आ रही है, आपका वाटर इंटेक जो है वो कम नहीं होना चाहिए क्योंकि सर्दियों में प्यास नहीं लगती, डिहाइड्रेशन हो जाता है लोगों को, और वो पानी जो कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा पीते हैं सर्दियों में पीना बंद कर देते हैं, आप इस्तेमाल कीजिए। और सर्दियों में जो जूसेस वाले फल अल्लाह ताला पैदा करता है वो इसीलिए होते हैं कि आप पानी की मकदार आपके यहाँ कम हो जाती है, विटामिन सी कमी वाक़ हो जाती है जिससे नज़ला खांसी और बुखार होता है, और विटामिन सी जो है वो आपको नज़ले खांसी बुखार से रोकती है। बिल्कुल ठीक, तो ये आपको जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, एक तो चूर्ण बताया, इसके अलावा आपको इसी तरह मैं एक कहवा भी बताता हूँ जो कि शुगर के मरीज, ब्लड प्रेशर के मरीज और जो इमराज़ मेदे के मरीज हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ओके, हर नाज़िर नोट कीजिए, सौंफ 1 चम्मच, पुदीना पत्ते ताज़ा पुदीना तकरीबन 21 अदद, सौंफ पुदीना, ओके, सुहांजना ये लीजिए सुहांजना 20 ग्राम, ओके, नीम के पत्ते 20 ग्राम, ओके, और अनारदाना 10 ग्राम, छोटी इलायची दाना 10 ग्राम, यानी छोटी इलायची के आप बीज निकाल लीजिए 10 ग्राम लीजिए, ठीक ठीक, और इसको इसका कहवा बनाएं, 4 गिलास पानी डालिए या 4 कप पानी डालिए, हाँ ये बात भी है, और जब 3 कप रह जाए तो अच्छा, ये जो मैंने बताया ना सारी चीज़ें, असल में अब इसको इसमें जो है तकरीबन 4 गिलास पानी डालकर इसको 4 गिलास भर के डालिए, यस ठीक है, 4 कप नहीं 4 गिलास भर के डालिए, और जब ये 3 गिलास रह जाए तो इसको एक एक कप करके ये 2 दिन इस्तेमाल कीजिएगा, तो यूँ ये कहवा जो है ये आपके लिए शुगर, ब्लड प्रेशर और गैस्ट्रिक के मरीज, अल्सर के मरीजों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जबरदस्त, एक और नुस्खा नोट कर लीजिए जी, जी वो है छोटी इलायची के बीज लीजिए 10 ग्राम, ओके, तबाशीर 10 ग्राम, और मिश्री 10 ग्राम, मिश्री 20 ग्राम डबल लीजिए मिश्री, और इसको सब बिल्कुल बारीक कर लीजिए, आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम, खाने से आधा घंटा पहले इस्तेमाल कीजिए, आपको आपकी सीने की जलन ख़त्म हो जाएगी, आपके अंदर जो है ये मकद तक जो है ये जाएगी दवा, और ये आंतों के इन्फेक्शन को ख़त्म करते हुए पाइल्स का मसला भी आपका
तकलीफ दे अमर से भी आप किसी हद तक जो है जबरदस्त। अच्छा, इस कहवे को आप रेगुलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फायदेमंद है, चाहे अल्लाह ने करे अगर किसी को नहीं भी है तब भी वो इस्तेमाल करे, उसको ही बेनिफिट होगा। डॉक्टर साहब, आई हैव जस्ट ओनली 2 मिनट्स, जाते जाते आप अपना मैसेज भी दे दें और अपना एड्रेस और लोगों को टाइमिंग भी एक बार रिपीट कर दें। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो खैर नाजिर में इस वक्त मेरे पास जो ये नंबर आपके चल रहे हैं यही नंबर मेरे पास है और मैं बराह रास्त मरीजों के फ़ोन को अटेंड भी करता हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि मरीज़ जो है मुझे लेट नाइट भी काफ़ी फ़ोन करते हैं, तो मैं उनको काइंडली ये कहता हूँ कि मुझे 11 बजे के से पहले पहले फ़ोन कर लिया करें, लेट नाइट ना किया करें। दूसरी बात यह है कि आपकी आप मुझे जैसी जो लोग मिस कॉल करेंगे उन्हें मैं फौरी तौर पर अपने क्लिनिक का एड्रेस जो है मेरे जो असिस्टेंट है वो फौरी तौर पर भेज देते हैं, एड्रेस टाइमिंग वगैरह सारी चीज़ें। मैं फिर दोबारा बता देता हूँ अपना एड्रेस और टाइमिंग। नाज़िर, ये मैं गुलिस्तान जौहर कराची का इलाका है जहाँ पर एक साइड पे गुलिस्तान जौहर है, दूसरे रोड के दूसरी पार जो है वो गुलशन इकबाल है, ब्लॉक 10A राशिद बिनास रोड, नज़द लासानिया रेस्टोरेंट ग्लैमर मॉल में मेरा मतलब है। 11 बजे से 2 बजे तक बैठता हूँ दिन में और शाम को 4 से रात 9 बजे तक होता हूँ। और मेरा दिन है इतवार, पीर, मंगल और बुध, इन 3 दिन 4 दिन मैं यहाँ पे विज़िट करता हूँ। दूर दराज के इलाके के लोग मुझे व्हाट्सएप पर अपना मुकम्मल वॉइस मैसेज भेजें, अपने मर्ज से मुतालिक शहर, उम्र और तमाम तफसीलात बनाकर भेजें और मुकम्मल अपनी रिपोर्ट्स भेजें। इंशाल्लाह मैं आपको होम डिलीवरी, हमारी सारी मेडिसिन होती है और जितनी ये मेडिसिन हमारी रखी हुई है ये कहीं किसी दुकान पर नहीं मिलती, ये बाकायदा ऑनलाइन हम आपको मेडिसिन भेजते हैं। आप कहीं किसी शॉप पे मेडिकल स्टोर पे ये दवाएं तलाश मत कीजिए, इसलिए आपको फ्रेश ताज़ा और जुदा सर अद्वियात जो है बराह रास्त हम भेजते हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, थैंक यू सो मच। और प्रोफेसर साहब को आप अभी प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा और इस प्रोग्राम को अगर आपने मिस कर दिया है तो रात को रिपीट आप देख सकती हैं, 12 बजे आप इस शो को देख सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे 2 में याद रखिएगा और फिर इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज़।